So, बढ़िया आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हालांकि इस वक्त दोपहर का ये समय है और भोजन आदि करने के बाद जब हमारे पृथ्वी बढ़िया तत्व जो है वो हावी हो जाता है और एक तमोगुण की छाया हमारे पे ज्यादा पड़ने लगती है, रजोगुण हल्का हो जाता है और सत्व गुण का हमें पता नहीं लगता, लेकिन उसमें भी ज्ञान के प्रति सावधान होकर के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि विषय बिल्कुल के बारे में हमने कल भी बात की थी, और बल्कि यूं ही समझ लेना चाहिए कि ये जो आज का विषय है ये कल वाले विषय के ही एक तरह की एक्सटेंशन है, उसी का ये विस्तार है। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी संबित पे, कॉन्शियसनेस पे, चेतना पर, और उसके बहुत सारे आयामों को हमने देखा था कि क्या चेतना जो है वो केवल महाभूतों से और पदार्थों के सम्मिलन से पैदा होती है, या चेतना कोई अलग से एक ऐसा तत्व है जिसके विषय में हमें मालूम नहीं है, हम उसको परिभाषित ठीक से नहीं कर पाते, केवल उसकी ओर संकेत मात्र कर पाते हैं। तो इस तरह के कल बहुत सारे प्रश्न रह गए थे, लेकिन अच्छा है कि किसी वेबिनार का अंत प्रश्नों से ही हो और प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, तो उससे हमें ये लाभ होता है कि हम उन प्रश्नों के साथ आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। और वेबिनार, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि कोई भी वेबिनार या कोई भी सेमिनार जब किया जाता है तो उसका लक्ष्य कोई सिर्फ उत्तर प्राप्त करना नहीं होता, वो केवल एक नई संभावनाओं की तलाश करना होता है, नए विषयों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करना होता है। क्योंकि अगर सिर्फ उत्तर मिल गए आपको तो उत्तर के बाद फिर कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहती, प्रश्न मर जाते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रश्नों को जिज्ञासा में बदलें। ये वेबिनार, ये सारे एकेडमिक एंडेवर्स जो होते हैं वो सारे के सारे प्रश्नों को जिज्ञासा में परिवर्तित करने के लिए होते हैं। तो आज की जो हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, प्रश्नों से हम शुरू करेंगे और जिज्ञासा की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें हमें दो विद्वानों की सहायता मिलेगी। और मैं उनसे परिचय कराने से पूर्व थोड़ा सा विषय के बारे में थोड़ा सा और आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि जैसा कि विषय आप देख पा रहे हैं कि डिकोडिंग फॉर्म एंड एसेंस ऑफ पंच महाभूत इन संस्कृत शास्त्रस और बेसिक साइंसेस, और ये बात आपने कल भी देखी थी कि हमने दो विभिन्न धाराओं से, विचारधाराओं से दो व्यक्तियों को, दो विद्वानों को आमंत्रित किया था। एक तरफ डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे जो MBBS और मेडिकल प्रोफेशन से थे, और दूसरी तरफ हमारे साथ भारतीय परंपरा से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जुड़े हुए थे, और दोनों के अपने अपने पक्ष रखे, दोनों के पक्षों में बड़ी स्पष्टता थी, लेकिन उसके बावजूद हम प्रतिभागियों को एक दूसरे दोनों बातों को एक साथ समझने में, उसको सिंथेसाइज करने में, उसका समन्वय करने में हमें दिक्कत आ रही थी कि कौन सी भाषा सही है या कौन सी भाषा के पीछे आ रहे विचारों को हम अपने आप में सुव्यवस्थित करें। लेकिन सौभाग्यवश आज हमारे पास जो वक्ता हैं डॉक्टर पी कमलाकर शर्मा जी, वो मेडिकल प्रोफेशन से तो हैं ही हैं सीधे सीधे, लेकिन साथ ही उनकी बड़ी गहरी निष्ठा और परंपरा जो है वो संस्कृत से ही है। तो उनसे हमें दोनों विषयों के ऊपर एक साथ सुनने को मिलेगा, और उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल कमेंट्स जो रहेंगे लास्ट में वो डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी के रहेंगे, जो फिलॉसफी विभाग से हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं 2-3 मिनट आप लोगों के लेना चाहूंगा कि ये विषय क्यों चुना और इस विषय के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, क्योंकि वेबिनार की शुरुआत हमेशा वहां से करनी ठीक रहती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा जानते हैं और उससे अधिक जानने की इच्छा से हम विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं विषय को नहीं जानता तो वो अर्ध सत्य होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मालूम होता है और अधिकांश हमें पता नहीं होता। तो उससे अधिक की ओर यात्रा करने के लिए हमें विद्वानों की आवश्यकता होती है, उनके दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। अब ये जो पंच महाभूत शब्द है, आप सभी
लोग इस शब्द से परिचित हैं, और जब कभी जन्म और मृत्यु के अवसर आते हैं या दुख के अवसर आते हैं और हम जब संवेदना व्यक्त करते हैं या दूसरे की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि शरीर पंच महाभूतों से पैदा हुआ था और उसी में विलीन हो गया, और हमारी सारी की सारी जो संस्कार करने की प्रक्रियाएं हैं वो सारे के सारे संस्कार करने की प्रक्रियाएं इसी प्रकार की हैं। अब यहां पर ये जो पंच महाभूत हैं जिसमें आप आकाश जल वायु अग्नि और पृथ्वी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि बड़े सहज स्वभाव में आप इनको जानते हैं क्योंकि आप इनके साथ ही पैदा हुए हैं, लेकिन इनके विषय में जानते कितना है? आप इनको मानते तो हैं हाँ कि भाई आकाश भी है मेरे में, जल तत्व भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, लेकिन ये तत्व आपके शरीर में कितने कितने प्रतिशत विद्यमान है और किस किस रूप में ये आपके भीतर विद्यमान है, क्या ये हम जानते हैं? और जल के कौन से रूप को आप जानते हैं और कौन से रूप को नहीं जानते, वायु के कौन से रूप को जानते हैं कौन से रूप को नहीं जानते, ये सारे बातें आज हम इन पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी देखें कि हमारी जानकारी में, आप स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिए तो आप देख पाएंगे कि एवरी सब्सटेंस, ये हम हमारी भारतीय परंपरा में है कि एवरी सब्सटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जानते कितना है ये कहना कठिन है। ईच ऑफ इट हैव ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स प्रॉपर्टीज एंड मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बात भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं। परफेक्ट बैलेंस ऑफ पंच महाभूत इज इक्वल टू हेल्दी स्टेट, अगर इन पंच महाभूतों का आपके भीतर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप हेल्दी हैं, और नहीं है तो आप में इलनेस है, आप स्वस्थ नहीं रह पाते। यहां से मैं अपनी बात आरंभ कर रहा हूं कि पृथ्वी जो है उससे आपको क्या मिलती है, शेप एंड फॉर्म ऑफ बॉडी, अब जिसे आप जल कहते हैं उससे मॉइस्चर लिक्विडिटी। मैडम देवकी जी प्लीज स्क्रीन शेयर ना कीजिए क्योंकि उससे फिर जो है वो रिकॉर्डिंग में वो चीजें नहीं आती हैं जो स्लाइड से आनी चाहिए थी। लिक्विडिटी एंड ल्यूब्रिकेशन, तेज अग्नि जिसे आप कहते हैं फायर, हीट और एनर्जी है, और वायु से वायु प्राण जो है वाइटल फोर्स कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन है, और आकाश तत्व जो है उसमें आपके जिसमें आपको स्पेस मिलती है जिसमें आपके सारे के सारे तत्व विद्यमान हैं, आप स्वयं विद्यमान हैं, वो है जिसमें सारे के सारे तत्व, आपका भोजन, आपकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस बात को अग्रसर करने के लिए मैं आमंत्रित जब कर रहा था तो मुझे एक खोजबीन करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पता लगा, व्यक्ति विशेष के विषय में पता लगा जिसमें ये दोनों गुण थे, परंपरा भी उसी तरह से उनमें समाहित है जिस तरह से नवीन विज्ञान मेडिकल चिकित्सा का क्षेत्र जो है वो उनमें समाहित है। डॉक्टर पंतंगी कमलाकर शर्मा जी चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं विभिन्न संस्थाओं के, जिसमें से श्री राघवेंद्र हॉस्पिटल्स के वो डायरेक्टर हैं, धनवंतरी फाउंडेशन इंटरनेशनल के वो चेयरपर्सन हैं, धनवंतरी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के चेयरमैन हैं और हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अनेक प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम भी साथ साथ करते हैं, दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करते हैं, और उसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, लगभग 22 के करीब ऐसे सोशल वर्क हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मुझे बताते हुए ये भी हर्ष होता है, गर्व की अनुभूति होती है, गर्व का अनुभव होता है कि उनके पिता वैयाकरण रहे हैं, परंपरागत वैयाकरण रहे हैं, और अपने पिता की योग्य संतान के रूप में संस्कृत में सहज संभाषण कर सकते हैं, अंग्रेजी उतनी अच्छी बोल सकते हैं, और जो अपनी वहां की भाषा है हैदराबाद की वो तो खैर इनकी सहज जन्मना है ही है, स्वाभाविक तो है ही है। तो कितने सारे गुणों के साथ ये आज हम इनका वक्तव्य सुनेंगे ऐसे व्यक्ति का, जो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे नए आयामों के साथ परिचित करवाएंगे।
और इनके ऊपर जो प्रेसिडेंशियल कमेंट्स रहेंगे लास्ट में, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अध्यक्ष रहे हैं, चेयरपर्सन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका वक्तव्य लास्ट में रहेगा। और डॉक्टर साहब का जो वक्तव्य है वो लगभग 45 मिनट का रहेगा डॉक्टर कमलाकर शर्मा जी का, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया था। और उनसे मैंने ये भी निवेदन किया था कि इसको सरल भाषा में ही हमारे पास रखें और अधिकांश जो है उसको आप हिंदी में वक्तव्य को रखने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न विषयों के जो लोग हैं वो हमारी बात को समझ सकें, क्योंकि ये दो अलग अलग विषय हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बाकी विषयों में किस तरह से इन पांच तत्वों को देखा जाता है, समझा जाता है, और किस रूप में जो है वो संस्कृत परंपरा में समझा जाता है, इसको देखना जरूरी है। तो इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूं, एक दो बातें और आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता और जानना चाहता हूं, तो कितना कुछ जानता है और कितना नहीं जानते, वहां से हमारे वक्ता जो है अपनी बात आगे शुरू करेंगे। तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा, आप लोग एक यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट कि इस तरह से जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इनका रिलेशनशिप जो सेंसेस के साथ है, आपकी जो इंद्रियों के साथ है, ज्ञान इंद्रियों के साथ है, इनका आपके शरीर के साथ जो संबंध है वो, और जो टेस्ट इत्यादि आपके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमने प्रस्तुत किए हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब उन विषयों को लेंगे, लेकिन मैं जल्दी से आप लोगों के साथ दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूं। एक ये भी चीज को हम ध्यान में रखें कि भारतीय मेधा कितनी विशाल और व्यापक थी, कितनी सूक्ष्म दृष्टि वाली थी कि इन पांच तत्वों के आपको पांच मंदिर भी देखने को मिलते हैं। सामान्य रूप से ये हमारे पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी लिंगम का कांचीपुरम में है, अपू लिंगम जम्बू लिंगम जिसे कहा जाता है वो त्रिची में है, अग्निलिंग का जो टेम्पल है अरुणाचलेश्वर जो है तिरुवनंतमलाई में है, वायु लिंग का जो वायु तत्व का जो मंदिर है वो भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है, और इसी तरह से जो आकाश का है वो भी आपको मंदिर मिलता है। ये जानकारी में नहीं होगा आपके, लेकिन ये जानना बड़ा रुचिकर रहेगा जब आप इन विषयों में जानेंगे। इसके अलावा मैं और अधिक नहीं जा रहा, लेकिन जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं तो हमारा एक दर्शन उसमें पंच तत्व हमें ये देखने को मिलते हैं जो फिजिकल है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर टाइम स्पेस आदि जो है आत्मा ये भी हमें देखने को मिलते हैं, चार तत्व और टाइम स्पेस सोल और माइंड, ये जो नॉन फिजिकल है। मैं उसमें और अधिक नहीं जा रहा। पंच महाभूतों के आपस के इंटरेक्शन के ये अपनी तरह के उदाहरण है जो हमें वेदांत वगैरह में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप सांख्य योग आदि में जाते हैं तो वहां पर इस तरह से आपको ये तत्व देखने को मिलते हैं, जहां पर तन मात्र से ये महाभूत पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बौद्धों में भी ये बड़े रुचिकर रूप में आपको पंच महाभूत देखने को मिलते हैं, जिसके ये सिंबल्स आप देख रहे हैं, और जितने आपने पैगोडा देखे होंगे उसका जो नीचे का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इसको स्थापित किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो उनकी जो निस्वभावता है वो है, निस्वभावता के ऊपर जो है वो अर्थ है, उसके ऊपर वाटर आदि आदि है। तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, लेकिन बाद में हम उस विषय पर बात करेंगे। उसके ये उनके वर्ण भी दिए हुए हैं, तंत्र में इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये खम आदि यम त्रम ये सारे के सारे उन तत्वों के प्रतीक हैं। और साथ ही आप जैनिज्म में जब आप देखने लगते हैं तो आपको ये जो फिगर्स मिलते हैं इनमें पंच महाभूतों का आपको जिक्र मिलेगा। और इसके अतिरिक्त वास्तु में भी आपको, वास्तु में तो है ही है पंच महाभूतों का वर्णन, उसके बिना चल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के ये मैं एक आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता था कि हमारे पास ये सारे तत्व जो हैं, इतनी जानकारियां हमारे पास हैं, और हम यहाँ से डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहे हैं, डॉक्टर कमलाकर मिश्र जी को, कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें
और हमें दिशा निर्देश दें कि हम मेडिकल साइंस में या बेसिक साइंसेस में और संस्कृत शास्त्रों में जो कुछ इस विषय में कहा गया है उसको हम कैसे समझें और उसमें संभावनाएं क्या हैं कि वो सारी की सारी बातें हमारे सामने उभर कर आए। सो आई इनवाइट डॉक्टर कमलाकर मिश्र जी टू शेयर हिज व्यूज ऑन दिस टॉपिक। सर वेलकम। सर प्रणाम जी, am I audible to you? Yes, sir. You are very much audible. Video is also there. Yes, you are visible. Are you sharing some slide also? Pardon? Will you be sharing your slide PPT or? Yeah, you will be speaking directly. No PPT. I'll be speaking only. Okay. Wonderful, sir. Wonderful. Yeah. Pranam Mitron. सभी लोगों को हार्दिक बधाई है। सबसे पहले तो आशुतोष जी को मेरे शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर पंतंगी कमलाकर शर्मा हूं, हैदराबाद के वासी है। हमारे पिताजी तर्कशास्त्र के शिरोमणि थे और पिताजी का 93 में देहांत हुआ। जब तक थे उनकी लाइफ का एम्बिशन भी ये था कि वेद शास्त्र और अपना संस्कृत भाषा का व्याप्ति करें, तो उसी विषय में पिताजी पूरा भी अपना जीवन बिताए। और हमारी सौभाग्य थी कि पिताजी घर में हमारे को संस्कृत भाषा मातृभाषा लगाए। और साथ ही साथ मैं MBBS पढ़ने से पहले एक 2 years BAMS पढ़ा था, फिर उसके पश्चात MBBS के बाद में एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएशन करा हूँ। ऐसा अपना ओन हॉस्पिटल चलाते हैं, पूरा परिवार भी डॉक्टर्स है, मिसेस भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन भी डॉक्टर्स है, सन इन लॉज भी डॉक्टर से वो चला रहे हैं। तो इस विषय में पिताजी की एक संत पुरुष राघवेंद्र स्वामी जी नाम के भक्त प्रहलाद जी का अवतार माना जाता है। उन्हें इधर को एक 240 किलोमीटर पे मंत्रालयम करके उधर सजीव समाधि लिए थे 1671 में। वो स्वामी जी पिताजी को स्वप्न में दर्शन दिए विद्यालय वैद्यालय मुद्रणालय करके विद्यादान करने के लिए। तो उसके पश्चात कहीं बहुत सारे चीज हमारे को मिरेकल्स जैसा हो चुके हैं। तो उस विषय से स्पिरिचुअल थोड़ा इंक्विजिटिवनेस रहने पर वो इंटरेस्ट से आइंदा चलते चला आया। एंड फॉर द लास्ट 25 years 25 बरस से ये ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज के माध्यम से मैं भगवद्गीता पढ़ने लगा हूँ। ये 25 बरस साइंटिफिक बैकग्राउंड से भगवद्गीता पढ़ने के पश्चात अभी जो मैं समझता हूँ मेरे को मालूम वो चीज मेरे को जानकारी आए ऐसी चीज बहुत कम है, लेकिन एक चीज तो अच्छा पता लग गया कि भगवद गीता इज एंड बुक, मतलब इट इज परफेक्ट टोटल बुक। ये कहला जाता है कि भगवद गीता को ये कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सह सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। मतलब अभी पूरे अपने वेदों का शास्त्रों का एसेंस है उपनिषद। ये सारे उपनिषदों को गाय जैसा बना के उसकी एसेंस जो है गोपाल ने श्री कृष्ण परमात्मा ने उसे एसेंस उसमें वेदों का एसेंस उपनिषदों में से भी एसेंस ली, वो एसेंस भगवद्गीता का रूप अमृत के रूप में दे दी है। और ये कहला जाता है भगवद्गीता इतनी नॉलेज है कि भगवद्गीता पढ़ने के पश्चात कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगा। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, मतलब गीता भगवद्गीता को सुगीता कर्तव्य, इट्स नॉट जस्ट ऊपर सुपरफिशियल या ऊपर ऊपर से पढ़ने की नहीं है, यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ। जब पता लगेगा कि किमन यह शास्त्र विस्तर है, अभी दूसरे कोई शास्त्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या बात है भगवद्गीता में, क्योंकि आज वेस्टर्न फिलोसफी से नियरली 1000 years मुस्लिम्स और 250 years क्रिश्चियंस हमारे पर राज करने के पश्चात हम ये भटक गए कि जो साइंस बता रहा है वही फैक्ट है, जो अपने शास्त्रों में है वो चीज सिर्फ फेथ है, वो अंधविश्वास है। दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ।
एंड आफ्टर गोइंग थ्रू भगवत गीता, मूल रूप से आई हैव फाउंड आउट सो मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल्स, मूल रूप के विज्ञान के, आधुनिक के विज्ञान के भी मूल रूप पूरे सारे फंडामेंटल्स है जिसमें। वो चीज आज लेटेस्ट साइंस भी जो चीज तक गया और उसके पश्चात जा नहीं पा रहा है, एंड इट्स नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दैट वेयर इट हैज गॉट ब्लॉक्ड। उसके पश्चात जो है ये अल्टीमेट क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में है, ये इंट्रोडक्शन है। तो अभी मैं आशुतोष जी को धन्यवाद देता हूँ ये अवसर मुझे देने पर। अभी स्ट्रेट अवे लेट अस गो टू द सब्जेक्ट नाउ। अभी भगवत गीता में एक एक श्लोक का दिन दिन वीक्स टुगेदर कमेंट्री देने का उतना सब्जेक्ट है। अभी मैं आज के विषय पर आ जाता हूँ स्ट्रेट अवे। आप देखिए भगवत गीता में मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बाकी वेदों में डिटेल तो नहीं गया हूँ, लेकिन भगवत गीता इन डिटेल फॉर द लास्ट 20 इयर्स आई हैव गॉन। सो ये तत्वों के बारे में अपने को क्लियर क्लियर कट क्लैरिटी देने के लिए 7th चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें ये ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्लियर कट समझाता है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मतलब ज्ञान और विज्ञान ये दोनों भी, दो विषय भी कहीं लेश मात्र भी लेफ्ट ओवर ना रहे जैसा इन डिटेल मैं समझाता हूँ। जब ये पता लग गई, इसकी जानकारी आ गई, कोई कुछ फिर नेक्स्ट जानकारी करने का मतलब ज्ञान प्राप्ति करने का कोई चीज बच नहीं रहेगा। इन दैट डिटेल आई एक्सप्लेन। ऐसा बोलते हैं ज्ञान मतलब शास्त्रों द्वारा अपन जो नॉलेज पाते हैं वो ज्ञान है, जो शास्त्र ज्ञान द्वारा नॉलेज पाते हैं उसको अपन अनुभव करना का उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तो कोई विदाउट एनी थिंग लेफ्ट ओवर इन डिटेल मैं समझाता हूँ वो क्या ज्ञान है। तो बताते हैं कि ये एंटायर विश्व सारा यूनिवर्स भगवान कृष्ण ने बहुत क्लैरिटी रूप से समझा दिया कि दो तत्व है, देर आर टू एंटिटीज कॉस्मोस में, पूरा विश्व में देर आर टू एंटिटीज, वन इज परा प्रकृति वन इज अपरा प्रकृति। समझे ना, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। अपरा मतलब लोअर फॉर्म ऑफ प्रकृति, एंड परा प्रकृति इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, इसमें एक स्पष्ट रूप से हमें जानकारी करना है कि अपरा प्रकृति इसलिए कहा गया कि वो परिणामशील है। मतलब यानी दैट इज नॉट ए परमानेंट वन, इट अंडरगोस चेंजेस। ये विषय अपरा प्रकृति परमानेंट नहीं रहेगा, वो परिणामशील है, चेंज होता रहेगा, परिणाम होता रहेगा। तो ये परिणाम होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ये परिणामशील अपरा प्रकृति को 8 पार्ट्स में, मतलब 8 विभाग में उन्हें डिवाइड कर चुका है। वो 8 तत्व 8 एंटिटीज में उन्हें डिवाइड कर चुका है। क्या है ये, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टा। अष्टादा मतलब 8 पार्ट्स ये अपरा प्रकृति को डिवाइड किया गया है। क्या है वो तत्व, भूमि आपा अनला वायु खम मनो बुद्धि अहंकार, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अप इसकी पश्चात क्या है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। एंड अभी तक जो समझाए है, जो जानकारी दी है, अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति के ऊपर इसके पश्चात एक परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति में
दैट मीन्स दैट इज माइन, भगवान कृष्ण का प्रकृति परा प्रकृति है, वो समझाते हैं। अपरेयम इतः अन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम, मेरा प्रकृति वो परा प्रकृति है, वो क्या है, व्हाट इज दैट, जीव भूताम इन ऑल लिविंग एंटिटीज में लाइफ परा प्रकृति का है, साथ ही साथ येदम धार्यते जगत, एंटायर कॉस्मोस की मूल रूप द वन विच बेयर्स एंटायर कॉस्मोस दैट इज परा प्रकृति। तो ये दो प्रकृतियां भी भगवान श्री कृष्ण का है, एक प्रकृति परिणामशील है, एक प्रकृति परिणाम नहीं होगा, शाश्वत है। अभी इन डिटेल लेट अस अंडरस्टैंड दीज प्रकृतिज। ये अपरा प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टा। ये आठ तत्व क्या है, एक विषय ऐसा है कि अपने वेद ज्ञान उपनिषद ऐसी जो नॉलेज हमारे जो साधु संत ने हमें सौंप दिया है, उसी ऋषि वर्ग को मुनि वर्ग को जो असली तत्व मूल तत्व को जो ज्ञान प्राप्ति करे उन्हें दृष्टा कहते हैं हम। दृष्टा मतलब द वन हु हैज सीन, सीयर। उस प्रकार के संत पुरुष वो मूल रूप का अनुभव करने के पश्चात हमें ये नॉलेज दी है, इसीलिए हमारे ये पूरा स्क्रिप्चर्स ये पूरा आए हैं। लेकिन परंपरा में ऐसा हो गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बिकम जस्ट लिमिटेड टू लैंग्वेज पंडिट्स। लैंग्वेज पंडिट्स रहने पर हमें ये हो गया कि जस्ट लैंग्वेज का लिटरल मीनिंग आ रहा है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज आ नहीं पा रहा है। तो इस विषय में मैं पदलास 25 ईयर्स डीप जाने पर अभी बहुत सारे चीज इसमें से मूल रूप से उभर के आए हैं, एंड अभी तत्वों के डिटेल में बन जाएंगे। तो भूमि आप अनल, ये जनरली ये पंडित लोग क्या कहते हैं, ये पंचमहाभूत कह देते हैं। ये पंचमहाभूत मात्र ही नहीं है, स्थूल रूप से पंचमहाभूत है ही है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इन डेप्थ पता लगाने के लिए बिफोर वी गो टू ये पंचभूत के मॉडर्न साइंस में क्या है, ये चीज हमें जानकारी लग गई, थोड़ा बहुत हमें उसकी नॉलेज आ गई, देन इट बिकम्स इजी फॉर अस टू गो अहेड विद पंचभूत तत्व। ओके, इन दिस रिगार्डिंग मॉडर्न साइंस में मैटर के लिए व्हाट दे डू इज इट द फॉर द लास्ट 100-120 ईयर्स दे हैव गॉन इन डेप्थ जाने पर उन्होंने पता लगा कि विश्व में सारा चीज भी परमाणु रूप में है, मूल रूप से एक इनिशियली 107 थे, आजकल आज लेटेस्ट परिस्थिति में नियरली 120 बेसिक एलिमेंट्स है। ये बेसिक एलिमेंट्स का जानकारी ये है कि मूल रूप में जब परमाणु तक भी सेम कैरेक्टर स्टूल में जो रहेगा परमाणु तक भी अपनी कैरेक्टर्स रिटेन करेंगे, उसी को हम मूल एक मूलक बोलेंगे। ऐसा हमें आज 120 मूल रूप से पता लगा है। एक सबसे वो 120 में डिफरेंस क्या है, इसमें ये मॉडर्न साइंस में ये कहते हैं कि जिस एटम में एटम का स्ट्रक्चर बेसिक एटम, इन डिटेल हम जाने अभी नहीं है क्योंकि समय भी नहीं बचेगा, स्थूल रूप से ये है कि इन लोग ये समझाते हैं कि केंद्रक न्यूक्लियस में केंद्रक है, उसके परितः ऑर्बिट्स है, वो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जितने नंबर ही प्रोटॉन्स रहते हैं हर एक मूल कण में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एटम जो है एक न्यूट्रल स्टेट है, चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, इसलिए जितने भी प्रोटॉन्स हर एक न्यूक्लियस में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग घूमते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स में देखते हुए उसी के प्रकार से इसके नंबर दिया गया जो एटॉमिक नंबर बोलते हैं।
जो अभी सबसे छोटी मूल रूप में हाइड्रोजन है, जिसमें केंद्रक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन रहते हैं, एक ही प्रोटॉन रहने पर जेनिक के एक ही इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में घूमता है, डिफरेंट शेल्स में घूमते हैं। अभी सेकंड नंबर हीलियम है, लिथियम है, ऐसे जैसा एक एक एटम को नंबर दी गई है, वो नंबर के हिसाब से उसमें उतने प्रोटॉन्स रहेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो शेल्स में घूमते रहेंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है कहते हैं, आज तक मॉडर्न साइंस में चार्ज क्या है ये पता नहीं है। चार्ज है बोलते हैं, लेकिन चार्ज क्या है ये क्लियर पता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वेट में बहुत कम रहने की वजह से 1837 टाइम्स इट इज लेस वेट देन प्रोटॉन, इसलिए केंद्रक में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं। एक वेट कम रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग शेल्स में वो ऑर्बिट में पूरा एनसर्कल करके थ्री डायमेंशन्स में मूव होता रहता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम्स का। ये विश्व में कितने सारे भी लाखों करोड़ों भी मटेरियल है, आज तक पता लगे, आज तक जानकारी हुई, ये 120 बेसिक एलिमेंट्स मूल रूप से है। ये मूल रूप के मूलक पदार्थ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अपने आप मिलने पर डिफरेंट कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट्स तैयारी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, पानी है, वाटर जल इट इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन दो एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये दोनों मिलने पर वाटर का हमें उभर के आ रहा है। तो इसमें वाटर का जल तत्व जो है, व्हेन इट गोज टू अप टू एटम लेवल, एटम लेवल पे वाटर एटम नहीं है, इट इज ओनली मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मिलने पर वो कंबाइंड मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का है। तो इसलिए जल का मूल रूप से अपने आप का एटम नहीं है। ओके, तो ऐसे ही कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, ऐसे ही मूल रूप से 120 बेसिक एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन रहेगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके रूप से वो उनकी रिएक्टिविटी होती है, उसे वो केमिकल बॉन्डेज आता है वो होता है। ये डिटेल जाने के अभी समय नहीं है वो डिटेल डिस्कस करने के लिए। तो मूल रूप से ये समझना है कि मॉडर्न साइंस में ये पता है कि बेसिकली 120 बेसिक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अपने आप जुड़ने पर कई असंख्यक लाखों में करोड़ों में सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। तो और एक लार्ज हेड्रन कोलाइडर करके एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करे जेनेवा में, ये मूल रूप से न्यूक्लियस में भी और क्या डिटेल है, मूल रूप और क्या है। तो एक हाई एनर्जी 10^11 GV की पावर से एक प्रोटॉन बीम को एनर्जाइज करके उसमें रोटेशन करके उतनी पावर से न्यूक्लियस को हिट करने पर, उसको ताड़न करने पर, न्यूक्लियस ब्रेक होने के पश्चात अभी तक लगा कि न्यूक्लियस में मोर देन 200 सब एटमिक एंटिटीज है बोल के अभी पता लगा है, मोर देन 200 सब एटमिक एंटिटीज। लेकिन स्थिर रूप से है सो क्वार्क बता रहे हैं आजकल, क्वार्क्स ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में क्वार्क्स है, थ्री थ्री क्वार्क्स है, क्वार्क्स 6 टाइप्स के रहते हैं बोल के बता रहे हैं आज के लेटेस्ट। उसमें एक अप एंड डाउन, एक टॉप एंड बॉटम, एक चार्म एंड स्ट्रेंज। तो न्यूक्लियस में दीज थ्री 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर देयर, प्रोटॉन में अप अप एंड डाउन, न्यूट्रॉन में UDD अप डाउन डाउन, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स मिलने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तैयारी हो रहा है। अभी तक लेटेस्ट साइंस में यहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज हम समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन या एटम का स्ट्रक्चर जो है, रिसर्च होने पर मॉडर्न साइंस में ये पता लगा कि नियरली 120 ईयर से वो रिसर्च हो रहा है। एक साइंटिस्ट बाई नेम जे जे थॉमसन, जो 1897-99 आई बिलीव सो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करे हैं, और
रूदरफोर्ड साइंटिस्ट जो है प्रोटॉन को डिस्कवर करे हैं, एक छाड़वी करके न्यूट्रॉन को डिस्कवर करे हैं। आज ये हमारे सोचने की बात यह है कि आज तक 120 बरस बीत गए, 120 बरस बीत गए, लेकिन आज तक भी वर्ल्ड में लेटेस्ट लैबोरेटरी में भी कई कोई हजारों हजारों नोबल साइंटिस्ट भी आज तक ये व्यवस्था नहीं है किसी को एक इलेक्ट्रॉन को निश्चल करके ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, वो सबएटॉमिक लेवल में वो एंटिटीज को हम निश्चल करके मतलब स्टैंड स्टिल करके उसको पकड़कर स्टडी करने का टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस इज एंड पॉइंट ऑफ मॉडर्न साइंस। नाउ प्रॉब्ली फ्यूचर सो मेनी थिंग्स मे कम। आज तक इलेक्ट्रॉन जैसे इट इज ओनली ए क्लाउड इन इन पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, प्रोबेबिलिटी वेव बस यहाँ तक ही आ गए, क्योंकि किसको पकड़ने की ऐसा निश्चल करके समझने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और एक साइंटिस्ट कहे कि हाइसनबर्ग, उन्हें बताए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्हें बताए कि अभी स्थूल रूप में सौर मंडल है, सन है, सन केंद्र में है, सन के सराउंडिंग नौ ग्रह घूमते हैं, ये नौ ग्रह में भूमि अपना अर्थ प्लैनेट थर्ड प्लैनेट है, तो ये स्थूल रूप में एक समय पर ऑर्बिट में एक प्लेस पे है, और इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पिन इतनी है, इसकी स्पीड के वजह से, इसके स्पिन के वजह से नेक्स्ट ये समय पर ये इधर रह सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म अवस्था में एट सबएटॉमिक लेवल में ये कहीं भी कोई भी साइंटिस्ट को ये संभव नहीं है बताया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साइमल्टेनियसली कोई सबएटॉमिक एंटिटी का उसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी, ये दोनों भी स्पीड, दोनों भी साइमल्टेनियसली एक काल में बताना असंभव है बोल के सूत्रीकरण करे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। तो ये पूरा ये समझाना पड़ा कि मॉडर्न साइंस अभी जो युवा है, जो लेटेस्ट साइंटिस्ट है, उन जो बता रहे हैं वही सर्वस है और उसके अलावा कुछ नहीं है, वही फैक्ट है, बाकी पूरा भी रिमेनिंग अरे पूरा भी त्रैश है, कोई अंधविश्वास है, ये बोलने पर ये लेटेस्ट साइंस में आज एट सटल मोस्ट लेवल जाने पर आज एक समय पे पीरियडिक टेबल बोल के था, ये मूलक जो है 120 ये बताया था, आज के लेटेस्ट विषय में ये क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स, लेप्टॉन्स लाइट वेट के है जो 6 टाइप्स के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन म्यूऑन न्यूट्रिनो, एक टाउ पार्टिकल TAU, टाउ पार्टिकल उसकी एंटी न्यूट्रिनो, तो 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड इनके एंटी पार्टिकल्स, और इनके बीच में जो संबंध है, जो विषय है, जिस टाइप से इंटरैक्शन करते हैं, वो इंटरैक्शन एक 4 टाइप्स के बताए, एक ग्रेविटी बता रहे, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण जो एक स्थूल रूप में व्यक्त होती है, मतलब गैलेक्सीज, इंटर गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स और बिटवीन प्लैनेट्स, ये जो इंटरैक्शन है उसको ग्रेविटी कहते हैं। एक वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन जो रेडियम यूरेनियम ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, वो स्वाभाविक से ही कई समय बाद से आधी ही बच जाती है, उसको हाफ लाइफ कहते हैं, जो क्षय होता है, मतलब ये अपने आप से डिके हो जाती है, इसकी संबंध में वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज द फोर्स बिहाइंड बोल के कहते हैं। एक स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो संबंध है, जिस फोर्स से पकड़ के रखते हैं वो, उसको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और एक चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये अपना लाइट, हीट, रेडिएशन, सभी एक्सरेस, ये पूरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से कहते हैं। तो आज पूरा वैज्ञानिक फील्ड में जो एक सेल अपने मॉडर्न सेलफोन से लेकर
सैटेलाइट तक हर एक चीज का मूल स्वभाव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन से ही वो माध्यम से हो रहा है। तो मॉडर्न साइंस में आज लेटेस्ट में एक क्वार्क्स, एक लेप्टॉन्स, ये इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स को बोसॉन्स कहते हैं। ये मूल रूप से यहाँ तक आके ये स्थाई पर वो रुक गया है। रुक गया मतलब अभी मॉडर्न साइंस कंफ्यूजन में है, इसके पश्चात इसके मूल रूप क्या है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये बात अच्छा समझ लेना चाहिए। और इनको क्यों समझ नहीं पा रहे, क्यों समझ नहीं पा रहे, एक चीज ये है कि ह्यूमन बॉडी, आदमी का, एक कॉमन मैन का, एक साधारण व्यक्ति का बेस क्या है, किसी को नॉलेज, अपने को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सिर्फ 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 एक साधारण आदमी को पांच ही द्वार है, वो स्पेशल सेंसेस है। एक आई है, आंख है, एक कान है, एक नाक है, एक टंग है, एक स्किन है, जो ये पंच ज्ञानेंद्रिय हम कहते हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रिय हमें जो नॉलेज देते हैं वो ही नॉलेज हमें आता है। इसके पश्चात, इसके बियॉन्ड हमें कोई दूसरा नॉलेज आ नहीं पाता है ना। तो अपने को आंख के माध्यम से विजन, कान के माध्यम से अपने को साउंड, नाक के माध्यम से स्मेल, और टंग के माध्यम से रुचि, और स्किन के माध्यम से स्पर्श, सिर्फ ये पांच ही ज्ञान हमें प्राप्ति होती है। और लेकिन विश्व में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो ये सिर्फ पांच ही विषय नहीं है, जो ये विषय नहीं है वैसे अपनी ज्ञान इंद्रिय उसे परसीव कर नहीं पाता है। ये बेसिक फैक्ट है। अभी आई है, आंख है, आंख के माध्यम से वी कैन ओनली विजुअलाइज, ओनली वी कैन सी, है ना। हम आंख के ज्ञान इंद्रिय से हम साउंड को ले नहीं पाते हैं। आंख के सामने कहीं अच्छी म्यूजिक मेलोडीज लगाइए, आप आंख के माध्यम से साउंड को ले नहीं पाएंगे। ऐसी ही कान के माध्यम से आप विजन ले नहीं पाएंगे। तो एक ही सिर्फ है कि कान से सिर्फ हम साउंड ले पाते हैं। तो ये विषय स्वभाव सिद्ध हो गया, ये ग्राउंड रियलिटी फैक्ट हो गया कि हम एक साधारण आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए जो ज्ञान प्राप्ति कर सकने की विषय है अपने इंद्रिय है। ये इंद्रियों को परसीवेबल कैपेसिटी वेरी 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 लिमिटेड, ये चीज हमें बहुत अच्छा जानकारी लेना। और इसी से भी और पैथेटिक ये है कि जो विषय में हमें क्लियर कट हमें नॉलेज नहीं है कि ये पांच ज्ञानेंद्रियों में से भी हमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ये जो है एक एक ही विषय है, एक एक इंद्रिय को, उसमें रेंज भी लिमिटेड है। ये चीज और भी पता लगाना है, ज्ञान करना है। आई है, आई के माध्यम से हम विजन ले सकते हैं, लेकिन विजन में हर एक विषय हम ज्ञान प्राप्ति कर नहीं सकते। विजन के माध्यम से हमें ये रहेगा कि सिर्फ 380 नैनोमीटर्स का वेवलेंथ से, मतलब तरंग दर्घ, तरंग के गैप जो रहता है, तरंग के विड्थ को 380 नैनोमीटर से लेते हुए 750 नैनोमीटर्स तक जो भी हमें विजिबल रेंज वायलेट से रेड तक, सिर्फ वो ही हमारे आंख को परसीव कर सकती है। वायलेट से रेड तक अल्ट्रासाउंड मतलब वायलेट वेवलेंथ हमें देख नहीं पाते हैं, ऐसी ही इंफ्रारेड देख नहीं पाते हैं। कोई बियॉन्ड सर्टेन स्मॉलनेस मतलब मिलीमीटर में और भी छोटी चीजें हम देख नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक स्थूल रूप में एक बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट देख नहीं पाते हैं। ऐसी ही आंख के सामने कोई भी अपनी एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गई, ठोस वस्तु आ गई, उसके बियॉन्ड क्या है हम देख हैं। तो इसीलिए बात ये स्वतः सिद्ध हमें एकदम जानकारी करना है कि हमें ज्ञान प्राप्ति करने का
विषय लिमिटेड है और वो ज्ञान प्राप्ति के विषय करने वाले इंद्रिय का लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन में एक एक ही ऑब्जेक्ट परसेप्ट कर सकते हैं, उसमें रेंज भी लिमिटेड है। ये नग्न सत्य है। दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल दैट वी हैव टू रियलाइज। एंड ये इसकी वजह से विश्व में जो चीज सत्य है, जो रियलिटी है, हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति को, कॉमन मैन को जो चीज नॉलेज आ रहा है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं ही है, दैट इज ओनली रिलेटिव रियलिटी। दिस इज द नॉलेज विच यू हैव परसीव्ड थ्रू योर सेंसर ऑर्गन्स। इट इज ओनली योर ब्रेन परसेप्शन, योर ब्रेन परसेप्शन दैट इज गिविंग यू दिस नॉलेज, बट दैट्स नॉट द परफेक्ट रियलिटी। ये चीज हमें बहुत अच्छे रूप से पता लगाना है, ज्ञान लेना है। अभी और एक विषय ये है कि जो एक कॉमन मैन के लिए ये ज्ञान प्राप्ति की साधन जो है लिमिटेड है, इसलिए हमें विश्व में सारा चीज हमें ज्ञान प्राप्त साधारण शरीर से कर नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज क्या है, आज ले लीजिए साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग है, इतने साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने पर वो इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम जो सहज सिद्ध से हमारे ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से जो जानकारी कर नहीं पा रहे, नॉलेज ले नहीं पा रहे, वो चीज को थोड़ा एक्सपैंड रूप में हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है कौन बना रहे हैं, वो बना रहे सो साइंटिस्ट कोई भी हो, वो भी वो साइंटिस्ट के लिए भी नॉलेज सिर्फ पंच ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ही मिलेगा। ये पंच ज्ञानेंद्रिय माध्यम से जो लिमिटेशन है हमें पता लग गई, और ये नॉलेज से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनेगा वो इंस्ट्रूमेंट को भी लिमिटेशन रहेगा। ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से हमें जानकारी करना है। ले आप एक माइक्रो लेवल पे ले लीजिए और मैक्रो लेवल पे ले लीजिए। माइक्रो लेवल पे लेने पर अभी हमें डायरेक्ट आंख से जो नहीं दिखता है, वो पहले रूटीन माइक्रोस्कोप्स आए, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए, या स्पेक्ट्रोस्कोप्स आए, या स्पेक्ट्रोमीटर्स आए हैं, वो जो आंख से नहीं देख सकते हैं थोड़े सटल लेवल पे दिखा सकते हैं। लेकिन ये सभी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करे तो फैक्ट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से भी जो स्वभाव से डिटेल है वो डिटेल हमें पता नहीं लग रहा है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो पता ही नहीं लग रहा है। इसीलिए हमें पूरे साइंटिस्ट लोगों को, पूरे सभी लोगों को, युवाओं को, सभी व्यक्तियों को एक चीज पता अच्छा लगाना है कि जो एक साधारण आदमी विद अपनी सहज सिद्ध बॉडी से, या कितने भी बड़े हो साइंटिस्ट, आज ही नहीं, 100 करोड़ के पश्चात, 100 करोड़ साल के पश्चात भी जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाएंगे, उसकी कैपेबिलिटी इज लिमिटेशन, एब्सोल्यूट तक जा पाएगा। ये चीज हमें अच्छा जानकारी करना है। जब ये चीज पता लग गई तभी अपने शास्त्रों में क्या है, अपने उसमें क्या है, जब पता लगाने पर कंपैरिजन में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब जाएंगे हम भगवद गीता पर। मैं ये मॉडर्न साइंस से बताया कि जो टोटली विश्व के जो कोई भी मटेरियल हो, 120 बेसिक एलिमेंट्स, वो बेसिक एलिमेंट्स में फर्दर सटल लेवल में क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड बोसॉन्स, बस यहाँ लिमिटेशन होगी। भगवद गीता में अपने कृष्ण भगवान ने ऐसा लिए कि उसके क्लासिफिकेशन मैटर को, जो अपरा प्रकृति को, अपनी भौतिक अवस्था को बेस लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए एक अपनी अपनी मैटर का फिजिकल फेज वो बेसिस पे लिए है। इस बेसिस पे 8 लेवल्स पे श्री कृष्ण ने उसके डिवीजन करे हैं, कहां एक स्थूल रूप से लेके सूक्ष्म अवस्था जाने तक। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में
भिन्ना प्रकृति रष्टदा में जो समझाया हूं अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति स्थूल रूप से एक 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 स्थाई सूक्ष्म अवस्था को चला जाएगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक, इंट्रा एटॉमिक जो कंबाइनिंग फोर्सेस है, वो फोर्सेस जब डिसिपेट हो जाएंगे, वो फोर्सेस जब भी डिसरप्ट होंगे तो स्थूल रूप से सूक्ष्म अवस्था को चले जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, तभी ये क्लैरिटी हमें मिलेगा। तो इसमें ये पंचमहाभूत अपनी जो बताए हैं, ये स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप है। एक भूमि, मतलब सिर्फ अपना अर्थ प्लैनेट ये नहीं होती है, भूमि यानी सॉलिड फेस, घन स्थिति होती है। एक घन स्थिति का मतलब ये है कि एक बाउंड्री होती है, इसे फिक्स्ड बाउंड्री होती है, और इसमें इंटर एटॉमिक, इंट्रा एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये फोर्सेस एक फिक्स्ड है। अराउंड दैट बॉन्डेज द वाइब्रेशन विल बी देयर, बिकॉज ऑफ दैट द मॉलिक्यूल्स विद इन दैट विल नॉट रन अवे फ्रॉम इट, द बाउंड्री इज फिक्स्ड, है ना। इसीलिए घन स्थिति, ये भूमि अवस्था जो है, सॉलिड फेज ऑफ द मैटर, बाई इटसेल्फ इट्स नॉट एंटिटी, इट इज सॉलिड फेज ऑफ मैटर। देन भूमि आपहा, आपहा मतलब पानी है, जल मतलब सिर्फ जल नहीं है। जब इंटर एटॉमिक, इंट्रा एटॉमिक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसिपेट होंगे, लूजन हो जाएंगे, तभी वो जल तत्व मतलब लिक्विड फेज में आ जाएंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग ऑन फेज ऑफ द मैटर। सो सॉलिड फेज जब इंटरनल फोर्सेस आर लूजेंड, इट गोज टू सटलर स्टेज, दैट इज लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में से ट्रांजिशनल फेज रहेगा अग्नि तत्व का, जिस ग्राहक स्टेज से बियॉन्ड परसेप्टेबिलिटी कैपेसिटी तक चले जाएगा सूक्ष्म अवस्था मैटर के, जो पदार्थ, पदार्थ नहीं द्रव्य कहना है, ये पदार्थ कहने पर वो पदार्थ का फिर मीनिंग बहुत डीप है। वो तर्कशास्त्र में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाह सप्त पदार्थ, तो अपनी क्लासिफिकेशन अलग है, वो इन डेप्थ में रहना चाहिए, क्योंकि एक एक डीप जाना है तो एक दिन का क्लास पूरा अपने को लगेगा। तो इसमें हम अपने विषय पे सीमित रहेंगे। हमारे उसमें 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ बताए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाह सप्त पदार्थाः, उसमें एक छोटी सी मात्र है अपना द्रव्य। द्रव्य में ये हमारी जो मॉडर्न साइंस पूरा भी उसमें ही एंड हो गया है, हमारी नॉलेज में, हमारे वेद में, शास्त्र में, सत्शास्त्र में, शास्त्रों में बहुत कुछ इन डिटेल है। हम कभी नेक्स्ट सीरीज ऑफ उसमें उसका डिस्कशन जाएंगे। तो ये द्रव्य में डिफरेंट फेजेस अपना जो है, एक सॉलिड फेज हो गया, एक लिक्विड फेज हो गया, एक अग्नि तत्व हो गया। अग्नि तत्व जो है विद इन मॉलिक्यूल्स एटम्स जो वाइब्रेटरी स्पीड रहता है, वो स्पीड इज डिटरमाइंड बाय अग्नि तत्व। वो बॉन्डेज जब अग्नि तत्व का डेप्थ चला गया, वो अग्नि तत्व भी मैटर में से बाहर निकल गई, तभी ये द्रव्य जब मैटर की एंड पॉइंट आ जाती है, दैट बेसिक सटल लेवल ऑफ वायु स्टेज। भूमि आप अनल वायु, वायु स्टेज इज द वन इन विच मैटर के लिए, द्रव्य के लिए सबसे एंड पॉइंट है, ये वायु तत्व है। वायु तत्व के से भी और नीचे, मतलब और भी सूक्ष्म तत्व है कि आकाश तत्व। जनरली आकाश बोलने पर लोग समझते हैं कि, पंडित लोग ये समझाते हैं कि अपने स्पेस जो दिख रहा है वो आकाश समझते हैं, वो आकाश नहीं है। एक्चुअली आकाश मीन्स शब्द गुणकम आकाशम, आकाश इज द वाइब्रेटरी स्टेज। दैट मीन्स
मैटर एंड होने पर, मैटर डिजॉल्व होने पर जो एनर्जी आ जाती है वाइब्रेशंस, दैट इज आकाश स्टेट। दिस स्टेट अभी नो लेटेस्ट साइंस में लेंगे ये एट मैटर लेवल इटसेल्फ दे आर इन कंफ्यूजन। अभी मैटर लेवल में ही जो क्वार्क लेवल पे आए, इलेक्ट्रॉन लेवल पे आए, बोसॉन लेवल पे, वहीं उन लोगों को मॉडर्न लेटेस्ट साइंस को भी क्लैरिटी नहीं है। दे दैट इज ओनली ए फेथ, इलेक्ट्रॉन एंड दोस थिंग्स आर ओनली ए फेथ, दे कैनॉट प्रूव इट, दे जस्ट ड्रॉ मैथमेटिकल कंक्लूजन, ये ऐसा ऐसा हो सकता है, दे आर ओनली प्रॉबिलिटीज। ये अच्छा स्पष्ट हमें बच्चों को सिखाना है कि जो भटक गए साइंस में सब कुछ है, बाकी पूरे सिर्फ त्रैश है, कोई अंधविश्वास है, ये गलत है। तो अभी भगवद गीता में ये पृथ्वी तत्व मतलब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, जो वाइब्रेटरी एनर्जी फेज हीट का, देन वायु फेज द एंड पॉइंट ऑफ मैटर आ गया, देन व्हेन मैटर द एंड पॉइंट इज डिसॉल्व्ड। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस भी कहते हैं कि मैटर सेपरेटली डजंट एग्जिस्ट, मैटर इज जस्ट कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन ने बताया कि E इक्वल टू MC स्क्वायर, मास इनटू इट्स लाइट स्पीड इज स्क्वायर इज इक्वल टू द एनर्जी। मतलब एक ग्राम का भी मैटर है, दैट्स नॉट मैटर एज सच, इट इज ए कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब कंडेंस हो जाती है तो मैटर बन जाती है, और ऐसे ही जब मैटर डिजॉल्व हो जाती है तो एनर्जी रूप में बदल जाती है। तो आकाश जो है दैट इज एनर्जी मूल रूप है, लेकिन आज लेटेस्ट साइंस में एग्जैक्टली एनर्जी क्या है कोई साइंटिस्ट को किसी को पता नहीं है। व्हाट दे से इज इट इज ओनली द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सिर्फ रूप है बताते हैं। एक क्या है, एक केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे थर्मल एनर्जी, ऐसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताते हैं। और उन लोग ये कहते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक चीज हमें समझाना है कि अभी एग्जांपल ले लीजिए, पेट्रोल या कोई फ्यूल है, फ्यूल में क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी है, जो बॉन्ड्स में कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स में वो एनर्जी है। वो जब बर्न हो गई है कंबस्टन इंजन में, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। वो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होने के पश्चात हीट के वजह से पिस्टन को एक्सपैंड कर दिया है, वो अंदर एयर को एक्सपैंड कर दिया है, एक्सपैंड करने पर पिस्टन मूव हो गया है, वो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ये मैकेनिकल एनर्जी पिस्टन मूव होने पर वो एक्सल को उसके कांटेक्ट से व्हील को मूव कर दिया है, तो दैट्स हाउ ए व्हीकल मूव्स, सर्टेन डिस्टेंस चले गई। चले जाने पर अभी स्टार्टिंग स्टेज में जो फ्यूल था अंदर, वो पेट्रोल तो नहीं है, वो केमिकल तो नहीं है, वो थर्मल एनर्जी भी नहीं है, साथ ही साथ वो मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं है, मतलब एग्जॉस्ट हो गई है, रूप बदल गई है बोलते हैं। लेकिन जो चीज रूप बदल जाती है उसका मीनिंग ये है वो नाश हो गया है। रूप बदल गया मतलब दैट इज नॉट रिटेन्ड इट्स ओरिजिनलिटी। जो चीज अपनी ओरिजिनलिटी रिटेन नहीं कर पाता है वो परमानेंट नहीं है। तो लेटेस्ट साइंस को भी आज तक ये पता नहीं है कि केमिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में या मैकेनिकल में जो मूल रूप से जो एनर्जी कह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दैट एनर्जी, किसी को नहीं पता है। आज के लेटेस्ट साइंस में भी दैट मूल रूप से एग्जैक्टली एनर्जी क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो हमारे आकाश तत्व जो है वो एनर्जी का रूप है, एनर्जी का रूप है। अभी ये मैटर की, द्रव्य की हमें जो साइंटिस्ट से आज तक पता लग गई है, यहाँ ही इस स्थाई पर ही एंड हो गया है, इस स्थाई पर वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए
अभी भगवद गीता में जो हमें नॉलेज दी गई है, ये एनर्जी आकाश तत्व से भी और तीन तीन स्थायियां सूक्ष्म स्थायी का हमें डिस्क्रिप्शन दी गई। एक भूमि रापो नलो वायु खम, खम के पश्चात मनस, मनस के पश्चात बुद्धि, बुद्धि के पश्चात अहंकार। ये हमें थोड़ा डिटेल सभी भी इंटरेस्ट से सुनना है, विदाउट एनी फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। जब एनर्जी भी डिजॉल्व हो गई है, जो प्रॉपर इन मूल रूप से एनर्जी क्या है हमें आज लेटेस्ट साइंस से पता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जब एनर्जी भी डिजॉल्व हो गई है तब से कॉन्शियसनेस लेवल स्टार्ट होती है। वो कॉन्शियस लेवल में भी लोएस्ट फॉर्म है मनस। इसे कोई ट्रांसलेशन वर्ड नहीं मिलेगा, मनस इज मनस, दैट्स ऑल। इट इज सटलर देन एनर्जी। खम से भी सूक्ष्म अवस्था है मनस। इसलिए जब यक्ष प्रश्न में पूछा गया सबसे स्पीड क्या है, हाईएस्ट स्पीड एंटिटी क्या है, तब धर्मराज ने बताते कि मनस हैज गॉट द हाईएस्ट स्पीड, मनस हैज गॉट द हाईएस्ट स्पीड। आज लेटेस्ट साइंस में द हाईएस्ट स्पीड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस कहते हैं, जिसका स्पीड है कि पर सेकेंड, एक सेकेंड काल में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड, जैसे दैट इज द हाईएस्ट स्पीड नोन। उससे हाई स्पीड संभव नहीं है कहते हैं, क्योंकि कोई मैटर जब लाइट स्पीड अटेंड करते जाती है, जैसा ही स्पीड बढ़ते जाती है उसकी मास बढ़ती है कहते हैं आज के साइंस में। जिसका स्पीड बढ़ते जाती है उतना मास गैदर करती है, जितना ही मास गैदर ज्यादा होते जाती है उसका स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए जो लाइट कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, उसकी मास नहीं है कहते हैं, इसलिए उसका हाईएस्ट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, दैट इज हाईएस्ट सीलिंग ऑफ द नॉन पॉसिबल स्पीड कहते हैं। लेकिन अनंत विश्व में जो गैलेक्सीज मेंटेन हो रहे हैं, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, लाइट स्पीड बस नहीं होगा। कई दृष्टांतों को, कई फिनोमिना दृग्विषय को समझाने के लिए ये लाइट स्पीड लिमिट नहीं है, वो बस नहीं होएगा, और भी बहुत सारे इंटेंस स्पीड होना चाहिए, लेकिन हमें आज पता नहीं है वो क्या है, वो मनस है। आपको जानकारी के लिए एक चीज समझाता हूं कि एक न्यूट्रिनो कल के एक पार्टिकल है, वो न्यूट्रिनो अर्थ को पूरा पेनिट्रेट करके चले जा सकता है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि एक आयरन ब्लॉक इतनी थिकनेस का कि एक लाइट ईयर की उतना थिकनेस का आयरन ब्लॉक भी आप डिजाइन करके लगाए, लाइट ईयर मतलब 946 ट्रिलियन किलोमीटर, 1 ट्रिलियन इज 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का नंबर 1 ट्रिलियन होता है, ऐसे 946 ट्रिलियन किलोमीटर को एक लाइट ईयर माना जाता है। वो एक सेकंड काल में 3 लाख किलोमीटर जब चले जाएंगी, तो 1 मिनट में इंटू 60, 1 आवर में इंटू 60, पर डे इंटू 24, पर ईयर इंटू 365, ये रफली दैट अमाउंट्स टू 946 ट्रिलियन किलोमीटर। सो 946 ट्रिलियन किलोमीटर की उतनी थिकनेस है, सो आयरन ब्लॉक भी आप लगाएंगे, उसमें से न्यूट्रिनो पार्टिकल वन एंड से दूसरे एंड को पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, तो कैसा संभव है, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। तो आज कई दुर्विषय ऐसे हैं, साइंस को नहीं पता है, सो बहुत सी ऐसी चीज है जो लाइट स्पीड समझा नहीं पाता है। तो इसलिए जब मैटर डिजॉल्व हो गया, एनर्जी भी डिजॉल्व हो गई, तब होता है मनस। मनस के स्पीड अनलिमिटेड, इट इज इंफिनिट। मनस से भी सूक्ष्म अवस्था होता है बुद्धि। मनस इज द वन विच इज एनालिटिकल, द वन विच एनालाइजेस, हाँ या ड्यूएल्स,
हाँ या हाँ नहीं, हाँ नहीं, ड्यूएल्स मनस के भी सूक्ष्म अवस्था है बुद्धि, जो डिसिसिव वन है। कॉन्शियस स्टेज में एनालिटिकल वन इज अ मनस स्टेज, उससे भी सटलर वन है कि बुद्धि, बुद्धि इज अ डिसिसिव वन। बुद्धि इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन परसीव ऑल अदर थिंग्स विच कैनॉट बी परसीव्ड बाय फिजिकल इंद्रियास। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये जो हमारे इंद्रिय से हम परसीव कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ नेचुरल लिमिटेशन, ये चीज को मनस की एनर्जी से सूक्ष्म अवस्था है, उससे सूक्ष्म अवस्था है बुद्धि, बुद्धि लेवल से हम परसीव कर सकते हैं। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्री के बस में नहीं है, इंद्री के कैपेसिटी में नहीं है जो चीज असलियत है उसको परसीव कर सकने का। तो बुद्धि इज स्टिल सटलर स्टेज देन मानस, और बुद्धि से भी सटलर स्टेज है अहंकार। अहंकार ये समझते हैं कि जनरली सिर्फ ईगो समझते हैं। जनरली पंडित लोगों का ट्रांसलेशन ये रहता है कि ईगो मतलब अहंकार, ये नहीं है। द करेक्ट चीज इज, करेक्ट चीज क्या है, विश्व में कोई भी चीज उद्भव हुआ है मतलब जन्म लिया है, एनीथिंग विच हैज टेकन बर्थ, एनी चीज, एनीथिंग विच हैज टेकन बर्थ, इसका मतलब ये होता है कोई चीज उद्भव हुआ है मतलब क्या है, विश्व में सारी एंटिटीज के भिन्न से एक स्पेशलिटी लेते हुए अपनी अस्तित्व को लाना है, ये बर्थ का मीनिंग है। एनी एंटिटी दैट विच हैज टेकन बर्थ मींस इट हैज बिकम ए सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी देन रेस्ट ऑफ एंटायर कॉस्मोस। उसको अपन जन्म लेना, उद्भव हुआ, बर्थ लेना कहते हैं, चाहे वो सब एटमिक लेवल पे एक छोटी सी चीज भी हो, या एक गैलेक्सी हो, या एंटायर एक यूनिवर्स ही हो। आजकल मल्टीवर्सेस कह रहे हैं, आजकल एक यूनिवर्स नहीं कह रहे हैं, अपनी वो नॉन, अपने यूनिवर्स में नियरली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है बता रहे हैं आजकल साइंस के माध्यम से। 2 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज ही है बल्कि बता रहे हैं उसमें, ये 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज में अपनी गैलेक्सी जिसमें हमारे सन जैसे 10,000 करोड़ ऑफ हमारे सन जैसे स्टार्स है, अपना मिल्की वे गैलेक्सी एक छोटी सी गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी के डायमीटर इटसेल्फ 1 लाख लाइट ईयर्स है बता रहे हैं। तो चाहे एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सब एटॉमिक एंटिटी का भी बर्थ हो या नहीं, ये गैलेक्सीज का, यूनिवर्स का, मल्टीवर्सेस का भी बर्थ हो, ये बर्थ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है इट हैज बिकम ए सेपरेट एंटिटी देन रेस्ट ऑफ कॉस्मोस। जब ये चीज अपनी अस्तित्व विश्व में ला चुकी है, वो अस्तित्व लाने का भाव है अहंकार। जो भी चीज, जो भी बर्थ हुआ है, बर्थ हुए समय उसकी रेस्ट ऑफ कॉस्मोस से, रेस्ट ऑफ विश्व से अपनी एक, अपनी निजी एक अस्तित्व जो महसूस होता है, प्रभाव होता है, वो अहंकार होती है। तो ये अहंकार किसी को हो सकती है, कोई भी चीज बर्त हुई है उसी को ही अहंकार हो सकती है। जो भी चीज बर्त हुई है उसी को ही अहंकार हो सकती है। वो बर्त, जन्म बर्त होने की एक मूल कारण और सटलर चीज है जो दो या और ज्यादा सब फर्दर सटलर एंटिटीज ज्वाइन होकर के जब एक चीज बर्त होती है, ये बर्त हुए सो चीज के लिए जो कोई भी जातस्य है ध्रुवो मृत्यु, जो कोई भी बर्त हुआ है, बर्त हुए से चीज के 2 लक्षण होते हैं। जब उसके भी सटलर मूल रूप के एंटिटीज जब ज्वाइन करे हैं, वो ज्वाइन करे सो समय ही वो नया बर्त लिए सो एंटिटी का बिगिनिंग है, आदि है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जब ये सब
एंटिटीज, अभी सटलर एंटिटीज जब तक ज्वाइन नहीं हुए है, ये नए चीज का जन्म नहीं हुआ है। तो इसलिए जन्म होने से पहले इसकी, हेलो हेलो जी प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। या कंटिन्यू कंटिन्यू, जो चीज बर्थ होने से पहले उसकी अस्तित्व नहीं है, दैट मीन्स एब्सेंस, इसको प्राक अभाव कहते हैं। प्राक अभाव, प्राग अभाव, कोई चीज अहंकार वो अस्तित्व नहीं आया है, जन्म नहीं लिया है, उससे पहले उसके अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको प्राक अभाव कहते हैं। जब फर्दर सटलर एंटिटीज ज्वाइन होकर के एक नई चीज एक उत्पन्न हुआ है, बर्त लिया है, वो उसकी आदि है। एंटिटीज ज्वाइन हुए से समय उसकी आदि है। ये आदि होने के पश्चात जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स, अवयव या सटलर एंटिटीज या मूल रूप, ये जब तक संयोग से रहते हैं, उसी तक उसकी लाइफ स्पैन है, जीवन काल है। जब अपनी अंदर इंग्रेडिएंट अवयव वो सटलर एंटिटीज जब डिसरप्ट हो जाते हैं, जब उसकी लाइफ हो जाती है, मतलब उसका डेथ हो जाती है, मतलब कोई भी चीज एक सबएटम लेवल पे, एक इलेक्ट्रॉन हो या सबसे भी सटलर एंटिटी हो या एनी गैलेक्सी हो, वो कोई चीज हो, जब जो भी चीज जब जन्म ली है, जो भी बर्त हो चुकी है, बर्त हुए से चीज को एक आदि रहती है, अपने जीवन काल रहती है, और साथ ही साथ उसकी विनाश भी होती है। विनाश होने के पश्चात उद्भव होने से पहले उसके अस्तित्व नहीं है। जो उत्पत्ति से पहले नहीं है उसको प्राक अभाव बोलते हैं, और जब विनाश हो गई बाद में पश्चात जब इसकी प्रेजेंस नहीं है उसको प्रध्वंस अभाव बोलते हैं। प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव के बीच में जो उसकी है वो उसकी लाइफ टाइम है। नाउ यू हैव टू वेरी थरोली अंडरस्टैंड, एनीथिंग विच टेक्स बर्थ, इट हैज गॉट अहंकार। एट दैट मोमेंट व्हेन इट टेक्स बर्थ, उसकी अहंकार भाव आ गई है, और वो जब तक रहेगा उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें से डिसॉल्व हो जाएंगे, जब तक उनके जीवित काल रहेंगी, फिर पश्चात उन्हें लय हो जाएंगी। मतलब जो कोई भी बर्त हो चुके है उसको आदि, जीवित काल और एंड रहेगा। ये हमें जो एट एंटिटीज भगवान कृष्ण ने बताई है, अपरा प्रकृति में विश्व में हरेक चीज, हरेक वस्तु भी, एंटिटी भी जो परिणामशील है, ये सिर्फ ये एट एंटिटीज में वो फिट हो जाते हैं। पंचमहाभूत से लेकर कॉन्शियस लेवल तक लेके अहंकार तक वो जन्म लेते हैं, परिणाम होते हैं और डिजॉल्व भी हो जाते हैं। इसीलिए अप टू अहंकार लेवल कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चेंजेबल, इसमें परिणामशील है। इसीलिए इसी, इट इज अंडर कंट्रोल, इट इज नॉट इन इट्स ओन मास्टर। अप टू अहंकार लेवल देर आर टू एंटिटीज विच कंट्रोल एवरीथिंग, वन इज टाइम, वन इज स्पेस। एक टाइम, समय जो है, ये पूरे अप टू अहंकार लेवल तक अपरा प्रकृति को पूरे को अपने कंट्रोल में लेता है। मतलब काल जो है ये अपरा प्रकृति को जिस समय में है, जिस समय में नहीं है, काल जो है इसको छिन्न करता है, ब्रेक करता है, फ्रैगमेंट करता है, टाइम ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, टाइम ऑफ इट्स एब्सेंस, ऐसा करके विभाग कर देता है अपरा प्रकृति के हर एक चीज को। लिखे विश्व में, कॉस्मोस में, एवरी एंटिटी इज अंडर कंट्रोल ऑफ टाइम विद टाइम ऑफ इट्स प्रेजेंस, टाइम ऑफ इट्स एब्सेंस करके। ऐसी ही स्पेस, जो देश बोलते हैं, स्पेस भी एग्जिस्टेंस में आए, मतलब जन्म हुए, बर्त लिए, कौन से एंटिटी, एट स्लाइड फ्रॉम सटलर लेवल, इलेक्ट्रॉन लेवल, और सटलर लेवल से लेकर
मल्टी यूनिवर्स तक भी क्या करती है, देश मतलब स्पेस जो है बर्थ हुए हर एक एंटिटी को एक बाउंड्री देती है। बाउंड्री देने पर क्या हो जाता है, इसे एक लिमिटेशन हो जाती है, इसके परिधि बन जाती है। ये परिधि बन जाने पर क्या हो जाएगा, इस वस्तु जो जन्म लिया है वो स्पेस जो है, इस स्पेस में ये है, इस स्पेस में ये नहीं है, स्पेस भी इसको डिवाइड कर देता है। इट इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, इट इज एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये अहंकार लेवल तक, सूक्ष्म से लेके स्थूल तक भी डिविजन हो जाती है। तो इसलिए विश्व में अहंकार लेवल तक, अपरा प्रकृति लेवल तक जो कोई भी चीज हो, देश काल छिन्न बोलते हैं, दे आर फ्रैगमेंटेड बाय टाइम एंड स्पेस। दीज टू आर द मास्टर्स, दीज टू आर द डायमेंशंस विच फ्रैगमेंट एवरी एंटिटी राइट फ्रॉम सबएटॉमिक लेवल टू गैलेक्सी मल्टी यूनिवर्सिटी लेवल तक, ए अहंकार लेवल तक दीज थिंग्स विल फ्रैगमेंट। दैट मीन्स दीज टू टाइम एंड स्पेस आर मास्टर्स ओवर ऑल दीज एंटिटीज। तो अभी अपरा प्रकृति हो गया, देन परा प्रकृति क्या है, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये अपरा प्रकृति के अहंकार लेवल तक भी स्टिल उसमें सटलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ज्वाइन होकर हमें कोई चीज का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, अहंकार हुआ है, वहां से स्थूल रूप आने पर भूमि तक आ चुका है। नाउ परा प्रकृति है, ये परा प्रकृति क्या है, दिस इज द रूट कॉज फॉर इवन अहंकार एंड ही सेज अपरेयम। इस अपरा प्रकृति के भी और पश्चात मैं प्रकृति पराम, मेरा प्रकृति वो परा प्रकृति है, ये क्या है, लाइफ सस्टेनेंस एंड नॉन लिविंग एंटायर यूनिवर्स का रूट काज, रूट मोस्ट काज है। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति में मेरा विद्धि पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। दिस एंटायर कॉस्मोस इज हेल्ड बाय दैट वन। अभी बताते हैं कि एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारया, मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण के है। क्षेत्र क्या है, नॉन लिविंग का, अप टू अहंकार लेवल नॉन लिविंग का है। क्षेत्रज्ञ क्या है, द वन द कॉन्शियसनेस लेवल विच बेयर्स दीज थिंग्स, क्षेत्र को। सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों भी, ये दोनों का भी रूट काज जो है परा प्रकृति है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि च्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सो दट परा प्रकृति इज द रूट कॉज फॉर बर्थ एंड डिसोल्यूशन ऑफ एंटायर कॉस्मोस राइट फ्रॉम सबएटॉमिक लेवल, सटल मोस्ट मैटर लेवल और इवन कॉन्शियस लेवल अप टू द हाइएस्ट मल्टीवर्सेस लेवल। इसी के रूट कॉज द बर्थ एंड डिसोल्यूशन, ये मैं ही हूं, परा प्रकृति है, ये दोनों प्रकृति के माध्यम से मैं ही करता हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मतलब अब इससे सटलर, परा प्रकृति से भी सटलर और कहीं भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। दट इज द एंड पॉइंट, दट इज अल्टीमेट पॉइंट ऑफ एनी एग्जिस्टेंस एज सच। अभी इसमें क्लैरिटी ये ले, ये अंडरस्टैंड करना है, ये परा प्रकृति बिकॉज देर इज नो स्टिल सटलर एंटिटीज इन इट, अच्छा समझिए, उसमें और सूक्ष्म रूप से और कोई अंश नहीं है, सटल मोस्ट एंटिटी है। जब उस एंटिटी सटल मोस्ट है जिसमें फिर फर्दर सब एंटिटीज नहीं है, इसका लक्षण ये है, जो कोई भी अपरा प्रकृति में अहंकार लेवल से जो उसके लक्षण है, उससे भी फर्दर सटलर एंटिटीज ज्वाइन होकर वो उत्पन्न हुई है। लेकिन परा प्रकृति ऐसा है, दैट इज द एंड पॉइंट, दैट इज अल्टीमेट पॉइंट,
उसमें फर्दर एंटिटीज नहीं है। इस कारण से हमें अच्छा समझना चाहिए कि परा प्रकृति और सर्दर फर्दर सटलर एंटिटी से जॉइन होके ना हो, उत्पन्न होने के कारण उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। मतलब इट हैज नॉट टेकन बर्थ, फॉर्म नहीं हुई है। ये अनंत से समय जो है इसके लिमिटेशन नहीं है। जो चीज उत्पन्न नहीं हुआ है अहंकार लेवल तक जो उत्पन्न होते हैं, परा प्रकृति उत्पन्न हुए सो चीज नहीं है। कोई फर्दर एंटिटीज ज्वाइन होकर उत्पन्न हुए सो नहीं है, बर्थ लिए सो नहीं है। जो चीज बर्थ नहीं हुआ है उसके लिए बर्थ का समय नहीं है, मतलब आदि नहीं है। दैट मीन्स इट डजंट हैव ए बिगिनिंग। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंक्लूड करना पड़ेगा, थोड़ा समय जो है। हाँ हो गया सर, यही लास्ट पॉइंट है, यही लास्ट पॉइंट है। तो ये परा प्रकृति जो है वो उत्पन्न हुए सो चीज नहीं है, बर्थ नहीं लिया है, इसलिए इसके बिगिनिंग नहीं है। फॉर द सेम रीजन इसमें फर्दर एंटिटीज नहीं है, इसीलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आज ही नहीं डाउन द लाइन कभी भी वो डिसरप्ट नहीं होती है, मतलब ब्रेक नहीं होती है, सदर एंटिटीज ही नहीं है। इसलिए ये अनादि अनंत है। जो चीज जिसके लिए आदि नहीं है, जिसके अंत नहीं है, उसके लाइफ स्पैन भी एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एटर्नल। इसीलिए दट परा प्रकृति गॉड्स कॉन्शियसनेस विच इज नॉट ए बर्थ वन, नॉट ए बॉर्न वन, इट डजंट हैव बिगिनिंग nor end, and because there is no beginning, though no end, time cannot dictate terms to it. Time is a subordinate to this para prakriti, that is God's consciousness. And samay ahankar level tak fragment karti hai, lekin samay khud ye para prakriti mein lean ho jati hai. Ek cheez aur desh, space ke bare mein bhi जो कोई भी अहंकार लेवल तक जो जन्म लेती है, जो बर्थ लेते हैं, वहां तक स्पेस जो है उसके बाउंड्री दे सकती है। हमें एक चीज अंडरस्टैंड क्लैरिटी लेना है कि विश्व में कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जिधर एम्प्टीनेस है। मॉडर्न साइंस को पता नहीं है, एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वॉइड बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं, लेकिन खाली जगह वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है। वहां समथिंग इज देयर, लेकिन वी आर नॉट एबल टू परसीव इट। जो चीज हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन जो किधर भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो मतलब यूनिवर्स में कहीं भी कुछ ना कुछ एक चीज तो है, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, गैलेक्सी हो, स्टार हो, या रेडिएशन हो, वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, है, समथिंग इज देयर। एंड समथिंग इज जो कुछ भी इन्फिनिट यूनिवर्स में है, उसके एक मूल रूप है, उसके रीजन है, उसके कारण है। सो लाइकवाइज व्हेन यू गो टू अल्टीमेट एंटिटी, एवरीवेयर समथिंग इज देयर, फॉर दैट समथिंग द अल्टीमेट, द रूट कॉज इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दैट मींस गॉड्स कॉन्शियसनेस परा प्रकृति इज यूनिवर्सल। वो नहीं है सो जगह नहीं है। जो कोई भी एग्जिस्टेंस में है उसके एक मूल कारण है, वो मूल कारण के फिर मूल कारण है, अल्टीमेट मूल कारण जो है, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। दैट इज व्हाई स्पेस एंड टाइम कैनॉट फ्रैगमेंट गॉड्स कॉन्शियसनेस, वेयर एज गॉड्स कॉन्शियसनेस द परा प्रकृति विल डिसॉल्व स्पेस एंड टाइम। दीज टू थिंग्स विल बिकम सबॉर्डिनेट्स टू गॉड्स कॉन्शियसनेस, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट अ फैंटेसी इमेजिनरी थिंग। इट इज बस एक ही श्लोक करके मैं एंड कर देता हूँ, समय का भी पालन करना है। तो ये चीज जो परा प्रकृति है गॉड्स कॉन्शियसनेस है, दैट इज एंड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। यदा भूत भगवान, ये पूरे भी मैं भगवद्गीता के श्लोक सपोर्ट करता हूँ, यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक, पृथक मीन्स डिफरेंट। जब भी जिस समय तक
हमें यूनिवर्स में हर एक एंटिटी भी डिफरेंट डिफरेंट हमें परसीव कर रहे हैं, हर एक चीज की एक बाउंड्री ले रहे हैं। बाउंड्री के वजह से हम परसीव ये कर रहे हैं कि वो एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। अपने बॉडी भी है, बॉडी में भी आंख है, नाक है, वो कई चीज है, परसीव कर रहे हैं हम। जो कोई भी चीज डिफरेंट डिफरेंट परसीव कर रहे हैं, इन रियलिटी अल्टीमेट रूप में जो परा प्रकृति स्थाई तक चले जाएंगे, वहां पर जब वो मूल रूप, सबसे मूल रूप को हम परसीव कर सकते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, इन फ्रॉम वन ओनली दिस इज कमिंग आउट करके, जब वो मूल रूप परा प्रकृति तक हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तथा एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते, तदा वो समय पे ही अपनी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल बन जाएगी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आ जाएगा, एंड दैट इज एंड पॉइंट, दैट इज एटर्नल, नेवर चेंजिंग। एंड बिकॉज एज आई टोल्ड, परा प्रकृति इज नॉट मेड अप ऑफ फर्दर एंटिटीज, इट इज नॉट ए परिणामशील, इट इज एटर्नल, परमानेंट, नॉन चेंजिंग, एवरीवेयर प्रेजेंट। सो दैट इज गॉड्स कॉन्शियसनेस, दैट इज अटेनेबल बाय एवरीबडी, दैट इज अटेनेबल बाय एवरीबडी। हाउ एंड ऑल वी विल डिस्कस इन फर्दर दिस थिंग्स, एंड दैट इज एंड पॉइंट। क्योंकि मॉडर्न साइंस से आप मेटीरियल भौतिक रूप से आप कितने भी तैयार करो, कितने भी बड़ी मशीन का तैयार करो, कितने भी फ्लाइट का तैयार करो, या कोई स्पेसशिप करो, कितने भी करो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ टाइम एंड स्पेस। दैट मीन्स दे विल बी डिस्ट्रॉइंग, दे आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रॉयड सम टाइम और लेटर, वट एवर टाइम इज। एंड भौतिक रूप से हम जाने पर कभी भी वो लिमिटेशन है, एंड whereas when you attain that God's consciousness, then that is ultimate and universal and eternal, that is Brahmanand. And this thing kaise attain karna kya hai, Bhagavad Gita mein har ek cheez ke liye ekdam detailed description hai. Ashutosh ji mujhe samay diye hai ek basic roop se batane ke liye samay diye hai. और हर एक श्लोक में भगवद गीता के, अभी ग्रेविटी हो या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो, एक सबएटॉमिक लेवल पे हो, या कोई भी चीज हो, उसमें भगवद गीता में मूल रूप के पूरे भी रूप में साइंटिफिक फंडामेंटल्स है। वो फंडामेंटल्स एक एक श्लोक के लिए समय बहुत लगेगा, तो डिटेल सभी लोग, मेरी सभी लोगों से विनती है, संस्कृत पढ़िए। इतः परम संस्कृते भाषण कुर्मः चेत् बहुत रोचते तत् ज्ञानमपि सम्यक् प्राप्यते। तदर्थम् इतः परम सर्वैरपि मम अनुरोधः, मम विनतिः, सर्वैरपि संस्कृतं अभ्यसतां, संस्कृतं अस्माकं भगवद्गीता, न्यूनतमं भगवद्गीता, दैट इज द मिनिमम थिंग। सभी लोग भगवद्गीता पढ़ना चालू करिए, ओरिजिनल संस्कृत भी पढ़ लिए और साइंस भी पढ़िए, तब कंपैरिजन में हमको क्लैरिटी पता लग जाएगी, मॉडर्न साइंस में क्या लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड क्या है, वो बियॉन्ड अपने शास्त्रों में क्या है, वो लर्न करके उसको एक्सपीरियंस करने पर क्या हमें रिजल्ट प्राप्त मिलेगा, ये सब डिटेल्स है भगवद्गीता में। इट इज नॉट जस्ट मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ओनली ऐसी ही फेथ डिवोशन, यही नहीं है। Fundamentals of science are there in Bhagavad Gita, which are very clear, and that is ultimate book. That is why Bhagavad Gita ko main naam diya hoon ek parama gamyam, ultimate destiny. So mere andar sabhi logon ko hai, sabhi log jo koi bhi shraddha se sune hain, I think un logon ko thoda bahut inspiration diya hoon, aur un logon mein thoda inquisitiveness chalu ho jayegi usme details padhne ke liye. Sabhi logon ko dhanyawad ji. धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये धन्यवाद शब्द तो बहुत कम है। आपने जो वक्तव्य दिया है और जितनी आपने सूक्ष्मता से और व्यापकता दोनों बातों को जिस तरह से आपने अपने वक्तव्य में समेटा है, वो नितांत प्रशंसनीय है, आदर के योग्य है, और उसने हम सभी में बहुत एक व्यापक दृष्टि को विकसित किया है, हमारे विचारों को भी उन्होंने अग्रसरता प्रदान की है,
और इस तरह का जो वक्तव्य है बहुत कम सुनने को मिलता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अभी मैं अपने आभार का जो प्रदर्शन है, जो भावना है, उसे मैं अभी पूरा प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमें प्रेसिडेंशियल कमेंट्स लेने हैं, और प्रेसिडेंशियल कमेंट्स के बाद फिर मैं आपका भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और जो बातें आपने रखी हैं गीता के एक श्लोक के ऊपर और सारे का सारा आपने वक्तव्य प्रस्तुत किया है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन समय उतना अपेक्षित है। मुझे लगता है आपको मुझे साग्रह निवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, आप जिज्ञासु होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक वक्तव्य जो है कम से कम हमें और चाहिए, जब हम वेदांत और बाकी दर्शनों को भी उसमें कवर कर सकें विज्ञान की दृष्टि से। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन अभी बाद में करूंगा, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बाद में करूंगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि प्रेसिडेंशियल कमेंट्स वो अपने प्रस्तुत करें, और जिन सज्जनों को लिंक की बात है वो लिंक आई एम शेयरिंग विद एवरीवन, सो यू कैन लेट अप। डॉक्टर राजेंद्र प्लीज अनम्यूट योर जी सर। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगिंद्रम विज्ञम भवरोग वेद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम हम भजामि। अभी हमने बहुत ही एक अच्छा व्याख्यान सुना और बड़ा विस्तार से कमलाकर जी ने बताया हमें गीता के आधार पर विज्ञान की व्याख्या की, और उन्होंने बहुत सी बातें अब इसमें समझाई है। गीता की जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति की बात की, और उन्होंने जो अपना साइंस का अध्ययन है वो इसमें बताया कि साइंस के अनुसार से पंच महाभूत क्या होंगे, मन बुद्धि अहंकार क्या होंगे, कर्ता क्या होगा, और इन्होंने इस तरह से हमारे सामने बात रखी, बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखी। और ये जो व्याख्या वो गीता की विज्ञान व्याख्या है और विज्ञान भाव से व्याख्या की गई। जयपुर में एक पंडित हुए मधुसूदन ओझा, उन्होंने करीब ऐसे कोई 40 ग्रंथ लिखे ऐसे विज्ञान के ऊपर, गीता में विज्ञान क्या है। विज्ञान भाष्य भी लिखा उन्होंने, आत्मा क्या इस पर किताब लिखी उन्होंने, जितने वेदों में बात है, तो ये वेदों की जो बात गीता में आई उन बातों को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखा है। और इन्होंने जो बातें रखी और आकाश तक गए, आकाश से फिर मन बुद्धि अहंकार पर गए, और उसके बाद में परा प्रकृति भी इन्होंने समझा दी हमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ललित रूप में, और एक इनका जो बहुत ही स्पष्टता से इन्होंने अपना भाषण हमारे सामने रखा और इन्होंने बातें हमें सामने रख दी। यहाँ जो है अब कुछ मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सब कुछ हमें बहुत अच्छे से कह दिया है, और मेरे को इसमें व्याख्यान नहीं देना है। कुछ बातें जो है मैं इसमें कहूँगा कि एक दो टिप्पणी करूँगा कि इन्होंने ये कहा कि परा और अपरा में जो भेद किया, तो उन्होंने कहा कि परा जो है वो मूल है और उससे अपरा बनती है। गीता में भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारस्य गुणस्य विद्धि संभवान। गीता के तीसरे अध्याय का वो कहते हैं कि प्रकृति भी उतनी पुरानी है, जन्म और मरण की बात नहीं है, जितना पुरुष पुराना है उतनी प्रकृति, जितना शरीर है, ऐसा नहीं कि बाद में बनते हैं जैसा साइंस मान रहा है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे कि दोनों अनादि हैं, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, दोनों ही अनादि है। और ये जो सृष्टि क्रम जो बताया इन्होंने कि भाई पहले अहंकार बना, प्रकृति से सृष्टि होती है, प्रकृति बदलती है और पुरुष नहीं बदलता, ये दो तत्व है कि एक बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। तो नहीं बदलने वाला जो है वो पुरुष है और प्रकृति से बदलती है। तो गीता में ये कह रहे हैं कि दोनों तत्व हैं और प्रकृति में ही परिवर्तन होगा, और किसमें परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति को उन्होंने बताया कि इसमें जन्म होगा तो उसमें मृत्यु भी होगी। प्रकृति में जन्म मरण होता है, पर जन्म मरण किसका होगा, तो गीता कहती है नाशितो विद्यते भावो नाभावो विद्यते विद्यते, कि जो जिसमें है उसी से निकलेगा ना। अगर सृष्टि हो रही है तो उसमें मूल में होगा तो आएगी नहीं, बीज में अगर पेड़ नहीं है तो पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो उस परा में भी होंगे, जिनको कहे बाद में आई, प्रकट वो बाद में होते हैं पर वो पहले से उसमें रहते हैं, क्योंकि जो नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता है, कि वो स्थित वही जन्म सत्ता इसी की होगी जो मूल में है, और जो मूल में नहीं है वो उसकी उपलब्धि कभी हो ही नहीं सकती।
कोई भी तत्व जो है तभी मिलेगा जब वो मूल में है, तो सभी तत्व हाँ। मूल में है, इसलिए गीता कहती है दोनों तत्व अनादि हैं। ऐसा नहीं कि वो बाद में बनी है जैसे साइंस कर रहा है। इन्होंने जो अच्छी बातें हमें बताई वो ये थी कि इन्होंने कहा विज्ञान की सीमाएं हैं, अपूर्णता है, और वो हम भी ये मानते हैं गीता में, सांख्य में मानते हैं कि जितने भी ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस समय ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो सांख्य कारिका में कहते हैं अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात सूक्ष्म तदनुपलब्धे। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उसमें ये दोष है, वो दूर का प्रत्यक्ष नहीं करता, अत्यंत नजदीक का भी नहीं करता, इंद्रिय में कमी होती है। तो हमें कहते हैं प्रत्यक्ष को हम ज्यादा बड़ा प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष को प्रमाण कभी बड़ा नहीं माना गया। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान है उससे अतीन्द्रिय ज्ञान श्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रकृति जो है वो जो मूल प्रकृति है उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये सांख्य कारिका कह रही है कि क्यों नहीं होगा मूल प्रकृति का प्रत्यक्ष, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म तदनुपलब्ध है, क्योंकि वो उसमें नौ दोष है प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो ज्ञान का खाली इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक इंद्रिय ज्ञान होता है जिसकी बात उन्होंने बड़े विस्तार से की, और इंद्रिय ज्ञान के आधार पर हमने पांच महाभूत मान लिए। पहला जो तत्व था आकाश, आकाश जो था कि आकाश जो था वो केवल शब्द मात्र है, शब्द गुण का आकाशम था। उससे दूसरा तत्व तो आकाशात वायु वायु और अग्नि, जैसा उपनिषद कहते हैं कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी पंचगुणा है, इन्होंने अच्छी व्याख्या की कि वो पृथ्वी जो वो स्थिर है, जैसे पानी सूख करके क्या होता है तो वो जम जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, तो वो भूमि बन जाती है। हो सकता है पहले पूरा पानी ही पानी होगा और पानी के बाद में सूख करके पृथ्वी बनी है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी पर 25% ही स्थल है, बाकी सब जल ही जल है, 75% जल मानते हैं। ये बात सिर्फ अर्थ प्लैनेट है, हाँ अर्थ प्लैनेट की बात करें। अब अर्थ प्लैनेट और तरण मात्राएं हैं, तो इन्होंने सब बातें हमारे को बड़े अच्छी तरह से विस्तार से की, और इन्होंने जो हमें समझाया कि जो पांच तत्व जो है, हम पांच इंद्रियां हमारे इसलिए पांच तत्व मानते हैं, हम 120 क्यों नहीं मान रहे? 120 तत्व हमारे यहाँ चर्चा इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास साधन ही यही था कि हम जो आंखों से जानेंगे वो आंखों से जिसको जानेंगे वो रूप होगा, यानी कलर का ज्ञान हम आंख से कर सकते हैं, जीभ से हम रस का ज्ञान कर सकते हैं, रस छाई तरह के हो सकते हैं, और गंध जो है सुगंध दुगंध दो तरह की होती है, सुरभि असुरभि, नाक से ही पकड़ सकते हैं और छू करके हम पकड़ सकते हैं। तो छू करके भी हम क्या करेंगे, इसका वो कोमल है या कठोर है, इसका ज्ञान हम करेंगे, स्पर्श का ज्ञान करेंगे। तो जब पांच इंद्रियां हैं हमारे पास तो पांच ही तरह के प्रत्यक्ष होंगे। छठी जो इंद्रिय है मन से किसका प्रत्यक्ष होगा, तो मन से कुछ पदार्थ और होते हैं जो इनमें नहीं आते, उनको उनका मानस प्रत्यक्ष होता है। मानस प्रत्यक्ष क्या होता है, सुख और दुख का। सुख दुख ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, सुख दुख के लिए हमें मन मानना पड़ रहा है। मन को हम इसलिए मानते हैं कि सुख दुख की उपलब्धि जिससे होगी वही मन है। मन की परिभाषा हम करेंगे कि मन क्या है, तो मन की कई परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा की वो इंद्रिय की जो सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है, ये न्याय की परिभाषा है कि सुख और दुख की प्राप्ति हो। तो सुख दुख वो पांच विषयों में नहीं आ रहे हैं हमारे, वो अलग तरह की चीज है, उसमें हम अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध करते हैं, वो सुख और दुख होते हैं। तो वो मन है, मन के और भेद किए, भेदों में चार तरह का मन बताया उन्होंने, कहा कि जो परमात्मा वो भी मन है, और उसको सर्वेंद्रिय मन कहा उन्होंने, क्योंकि पांच सभी इंद्रियां मन के पास जाती हैं तब ज्ञान होता है, और उसके ऊपर एक मन और है, उसको उन्होंने कहा सोयस मन, वो एक मन और है ऊपर। तो मन की बड़ी बातें हैं जो हम दर्शन में पढ़ रहे हैं, वो खाली इंद्रिय मन की बात करें कि इंद्रिय जो मन है उस इंद्रिय मन से हमने कुछ तत्व इन्होंने हमें सामने किया कि मन जो है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म मन से सूक्ष्म बुद्धि है, क्योंकि वो निर्णायिका है, निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति मन, निश्चयात्म बुद्धि, बुद्धि क्या है वो निश्चयात्मिका, वो निश्चय करती है। तो ज्ञान में बुद्धि से अलग होता, ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान हुआ, दूसरा ज्ञान, हाँ दूसरा ज्ञान बुद्धि से होता है, वो बुद्धि का ज्ञान अलग ज्ञान होता है कि जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूँ तो वो दिख रहा है, वो तो मेरे को पता लग रहा है ये चीज दिख रही आग है, पर ये गर्म है ये ज्ञान कैसे पता लगा मेरे को? तो ये हमें एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान से ज्ञान होता है, तो ज्ञान के लिए उनका ज्ञान अनुमान इससे कहते हैं, अनुमान से अधिकतर ज्ञान जो अनुमान से जाने जाते हैं। हम केवल अनुमान करते हैं सूर्य का चंद्रमा का गति का, हम जाके थोड़े देख के आ रहे हैं कि उनकी गति का भी हम अनुमान करते हैं। तो विज्ञान अनुमान पर चलता है, अनुमान पूरी गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है पूरी अनुमान, और कुछ भी नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें कुछ भी, वो समुचा अनुमान का विषय है। तो प्रत्यक्ष विषय जो है वो गलत हो सकता है, अनुमान गलत नहीं होता, अनुमान सटीक होता है। अनुमान के बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास शब्द आता है, तो जो भी हम परा अपरा का बात करेंगे तो शब्द प्रमाण पर करेंगे, और इसलिए हमें वेदों को और उपनिषदों को गीता को पढ़ना पड़ेगा। जो आपने ये बात अच्छी कही कि आप गीता पढ़ें शास्त्र पढ़ें, तो शास्त्रों में जो निहित अर्थ है उसको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम शब्द प्रमाण से,
तो जिन चीजों को हम, बहुत सी चीजों को हम शब्दों से जानते हैं, तो दुनिया में कभी मिलेंगी नहीं हमें, जैसे हम संख्या को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। न्याय में यह माना कि पांच चीज आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, पांच चीजों का प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, पांच द्रव्यों का, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा, नहीं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आकाश, क्योंकि आकाश सर्वत्र है और आकाश खाली को ही कहते हैं, शून्य को आकाश कहते हैं, आकाश में कुछ भी नहीं है, हम आकाश हम, तो उसमें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा किसी भी इंद्रिय से, काल का प्रत्यक्ष भी नहीं होता, काल क्या है समय हम जानते हैं, पर इसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ, न आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, न मन का होगा, और न हमें इसमें पांच चीज जो है विभू द्रव्य कहलाते हैं, आकाश काल दिक् दिशा भी क्या प्रत्यक्ष नहीं होती है, दिशा क्यों नहीं प्रत्यक्ष होती है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हम जब मानते हैं कि हम कोई बिंदु रखे, क्योंकि मैं पूर्व पश्चिम उत्तर उससे होगा, सापेक्षता से होगा कि मैं जहां से शुरू करूंगा तो वहीं से होगा, तो वो इस तरह से उन्होंने कहा कि पांच चीज तो हमें पता ही नहीं लग रही है, न्याय ने स्थापना कर दी थी कि चार द्रव्य हम जानते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु, और ये पांच तो हम जान नहीं सकते, क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होगा, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं है, काल का प्रत्यक्ष नहीं है, काल को हमने देखा नहीं किसी ने, काल को और भी आप सोचिए कि किसी भी आकृति का प्रत्यक्ष नहीं है, गोल त्रिकोण ये सब इनका आकृतियों का प्रत्यक्ष नहीं है, संख्याओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, संख्या का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं हो रहा, तो पांच चीजें हमारे पास, इनको अमूर्त द्रव्य कहते हैं कि अमूर्त द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य का मतलब आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं होगी, इसलिए दो तरह अधिकतर द्रव्य है जो आप दिख ही नहीं रहे, जिसको हम जान ही नहीं सकते, तो ये बात न्याय ने स्थापना की, गौतम ने और वैशेषिक ने स्थापना की, तो इसलिए बहुत कुछ अज्ञात ही रहता है, क्योंकि उसको हम जान नहीं सकते, इसलिए हमें क्या साधना करनी पड़ती है, भगवान के शरण में जाता है तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्रों के द्वारा, और वो शास्त्र हमारे संस्कृत है, उन्हें पढ़ना चाहिए, इसी के साथ मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी बात में पूरी करता हूँ, काफी समय हो चुका है, धन्यवाद सर। एक चीज सर जो बताई है वो फिर बड़ी डिस्कशन हो जाएगी, मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, मतलब ये परा अपरा प्रकृति भी वो गॉड्स कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशंस है, ये भले ही अनादि है लेकिन उसके भी कंट्रोल करने वाले वो गॉड्स कॉन्शियसनेस है, इसलिए ये दोनों भी उनके ही है, तो इसीलिए ही वरना विज्ञानादि उभाव भी, मतलब ये डिस्कशन लॉन्ग चले जाएगा, लेकिन एक ही शब्द ये कहूंगा, अपन कभी फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे, इस चर्चा को तो प्रकृति, ये प्रकृति भी उसकी अगर पुरुष के साथ में वो भी है, तो प्रकृति का सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, प्रकृति इज आल्सो इंडिपेंडेंट, अनादि करेगा तो दोनों कोई करेगा नहीं, दोनों की सृष्टि, हाँ ये दोनों का भी, मतलब ये पुरुष और प्रकृति का भी मूल रूप और है वो ट्रू गॉड्स कॉन्शियसनेस है, ये बात फिर उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, ना सब अगली बार पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, ये मतलब गीता का श्लोक है, गीता ही करे की अनादि, अनादि करने का अर्थ है की इनका प्रारंभ नहीं होगा, उसका डिटेल डिस्कस करना है, क्योंकि उन लोग पूरे वेटिंग रहते हैं, अपन डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, विचार करिए फिर इस पर अलग से करेंगे चर्चा आपने, जरूर बिल्कुल, इस क्योंकि ये विषय अनादि का और अनंत, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर जितनी चर्चा करें और जितना शब्दों से पकड़ने का प्रयास करेंगे वो कम ही रहेगा, वो पूर्ण ही अपने आप में रहेगा, लेकिन जितनी भी चर्चा रही है मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर के आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, जितना आप लोगों ने ज्ञान आज हमारे साथ साझा किया है, आप लोगों की तो मेहनत है, हमने तो उसे ग्रहण ही किया है, अब उस ग्रहण के पात्रता, मैं चाहता हूँ कि हमारी पात्रता इतनी व्यापक हो कि वाकई वो जो ज्ञान आज आपने हमारे साथ साझा किया है इतनी मेहनत से, अपनी परंपरा से और इतने शास्त्रों से, वो सारा का सारा हमारे में एसिमिलेट हो, सिंथेसाइज हो, ताकि हम आगे उसको यथावत रूप में जो है आगे प्रस्तुत कर सकें। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से सारे विषय को लिया है, ये मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत व्याख्यान रहा है, बहुत ही एनलाइटनिंग उनकी टॉक रही है, कि इस तरह से मेरी भी अपेक्षा, मेरे भी सोच में नहीं था कि इस तरह से पंच महाभूतों के दोनों पक्षों को वो इतने सार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि सामान्य रूप से जो साइंस पढ़ता है उसको शास्त्र का नहीं पता होता, जैसे शास्त्र का पता है उसको वैज्ञानिक उपलब्धियों का नहीं पता होता, और बीच में हम
उलझ के रह जाते हैं कि हम दोनों को, जहां हम खड़े हैं वहां दोनों पक्षों को कैसे पकड़ें। तो एक तरह से आज हमारे पास, और मुझे भी ये पता लग गया है कि डॉक्टर साहब के पास दोनों पंख हैं, एक और शास्त्र का पंख है और दूसरी वो विज्ञान का पंख है, तो इससे जब वो फ्लाइट लेते हैं विचार के क्षेत्र में तो उसका तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता। और हम चाहेंगे कि आपका ज्ञान जो है वो हमारे तक पहुंचे, हमें उपलब्ध हो, हम उसको विस्तार करें और हमारे भीतर जितने भी उहापोह है, जितना भी हमारे भीतर प्रश्नों की उथल पुथल है, वो सब शांत हो और हमारे ज्ञान का इसी प्रकार से विस्तार हो जिस प्रकार से वो आप में व्यापक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृपा तो हमें, हमारे पर हमेशा रहती है। और अभी कल हमारा जो वक्तव्य है उनका वक्तव्य रहेगा तंत्र शास्त्र के ऊपर, कि तंत्र का सार और स्वरूप क्या है वो तो सुनेंगे, इसीलिए मैंने उनका आज एक प्रेसिडेंशियल कमेंट्री रखा था। और अभी इस सारे विषय के कई पक्ष वो रखेंगे और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से भी उस विषय पे चर्चा हो, क्योंकि वेदांत की इस विषय में क्या दृष्टि है प्रकृति के बारे में, पंचमहाभूतों के बारे में, क्योंकि वहां अपनी तरह की पंचीकरण की प्रक्रिया है। और फिर जब हम तंत्र शास्त्र में इस सारे विषय को देखते हैं तो वो प्रक्रियाएं कुछ और हैं। और अभी जो एक विषय रह गया है डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा समय हमारे पास, हमारे लिए और स्पेयर कर सकें अपने समय में से, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी हम इसमें ले, कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जो प्रयोग किए हैं इस पंच महाभूतों पर, मुझे लगता है कि उनपे चर्चा भी अभी अपेक्षित है। आज तो आपके ज्ञान की विशालता हमने देखी कि एक श्लोक के ऊपर आपने इतना व्यापक दृष्टिकोण हमारे साथ शेयर किया है, और जब आप आगे सांख्य के पूरे सांख्य पे चले जाएंगे और योग पे भी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जब परिणामवाद की चर्चा होती है, मैं समझता हूँ कि वो अभी तो हमें उसपे भी चर्चा करनी अपेक्षित है। और वो चर्चा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और आपके साथ मिलकर के, मैं चाहूंगा कि एक सत्र जो है और इस विषय पे जरूर हम लगाएं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति, सभी प्रतिभागियों के प्रति जो 80-85 से अब सिर्फ 50 रह गए हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने धैर्य पूर्वक सुना है और इस ज्ञान से उनमें भी उत्सुकता जागी होगी। ज्ञान वर्धन तो हुआ ही है, लेकिन ज्ञान वर्धन से उत्सुकता बढ़नी चाहिए और अधिक जानने की जो जिज्ञासा है वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि कल जो है, कल तंत्र सुबह का समय है, कल 10:30 बजे तंत्र का सार और रूप क्या है, जिसे जादू टोना हम समझ लेते हैं, वो शास्त्रीय रूप उसका क्या है, उसके तत्व कौन से हैं, उसकी प्रमाण मीमांसा क्या है और उसका व्यवहार कैसा है, उस सारे पे चर्चा करने के लिए आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। कल पुनः हम मिलेंगे और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ डॉक्टर कमलाकर शर्मा जी की को, उनके परंपरा के प्रति नम्र भाव से नमन करता हूँ। उनके भीतर जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, उन्मिषित हो रहा है, उसके प्रति भी मैं अपना भाव जो है अभिव्यक्त करता हूँ। मैडम मैं एक मिनट धन्यवाद ज्ञापित कर लूं, उसके बाद आपकी समस्या हल कर दूंगा, कोई चिंता ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर दूं, लेकिन मुझे वक्तव्य पूरा करने दीजिए क्योंकि उन्होंने भी जाना है। ओके सर जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति तो मैं क्या शब्द कहूं, उनमें जितनी शास्त्र निष्ठा है और शास्त्र उनको जिस तरह से स्मरण है, मुझे कई बार उर्दू का शब्द मैं प्रयोग करना चाहूंगा, रश्क होता है कि काश मुझे भी इसी तरह की स्मृति हो। और कल जब हम कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे थे तो उसमें ये भी चर्चा आई थी कि मेमोरी के ऊपर किसी दिन चर्चा हो, कि ये मेमोरी का मेडिकल साइंसेस में और हमारे शास्त्रों में इस स्मृति को किस रूप में देखा गया है, और विशेष रूप से जब वो भागवत आदि में चले जाते हैं, भक्ति संप्रदाय में चले जाते हैं, तो वहां तो सारा कुल मिलाकर के सारा कुछ स्मरण के ऊपर ही है, स्मृति पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आगे से आगे निकलते आते हैं। और मैं आप विद्वानों के प्रति पुनः
अपना विनम्र भाव व्यक्त करता हूँ, आप लोगों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, आप लोगों के ज्ञान के प्रति, आप लोगों की ज्ञान के प्रति जो निष्ठा है उसके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी लोग जो है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं, जिनकी कोई समस्या है वो लोग रुके रह सकते हैं, और कल पुनः जो है हम सुबह 10:30 बजे शुरू करेंगे और लगभग 11:30 एक घंटे का वो लगभग सारा कार्यक्रम रहेगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी के प्रति। थैंक यू सो मच। यू कैन लीव द मीटिंग। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। भगवद्गीता में इतने हरे प्रश्न डीप मीनिंग रहता है कि दिनों दिनों चर्चा चले। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा अभी हम इस पे चर्चा, क्योंकि मुझे पता है अब लगा है आपसे, ये मेरी प्रथम मुलाकात है, तो मैं चाहूंगा कि इस विषय को हम और भी लें। गीता के कई पक्ष अभी और हैं जो मैं चाहता हूँ, ठीक, और वो जरूर आगे साझा करेंगे और इस चर्चा को और भी अग्रसर करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। धन्यवाद।